अबे हलवा, तू यहाँ बैठ कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, तुम कभी कभी कैसा बिहेव करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत टेंशन होती जा रही है। तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है ये तो बताओ। किक के लिए मैं क्या करूंगा पता है? पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। सरेंडर? ए, टेंशन मत ले जरा भी तू। मैं सरेंडर करते ही पुलिस को तेरा नाम भी बता दूंगा। अच्छा होगा, जेल में किक मिलेगी। अब मैं क्या करूं? भाग जाओ यहाँ से। तू फिर? हाँ हाँ, मैंने ही कहा आपकी कहानी खत्म होने से पहले यहाँ से भाग जाइए। मेघना? पापा आप यहाँ? बस बेटी, घर में बात करने वाला था, लेकिन तुम आजकल बहुत बिजी रहती हो ना। क्या बात है बोलिए। वो तुम्हें देखने के लिए एक लड़का इंडिया आ रहा है। दीदी, मैंने तो पापा से कहा आप इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करे, मेरे भी लाइन क्लियर होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने ही शादी करवाने के लिए कहा। पहचान वाला है, अपने शहर का है और देखने में बहुत हैंडसम भी है। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई और ढूंढेंगे। कम से कम एक बार जाकर उससे मिल तो लो बेटा। ये देखो, लड़का बहुत अच्छा है। ट्रेन में ही दुल्हन की परीक्षा। बिल्कुल नया तरीका है ना? इसीलिए पेरेंट्स ब्लैकमेल करते हैं। आहा, एक्चुअली ये उससे तो बेटर है। सबके सामने कॉफी पकड़कर वेटर की तरह खड़े रहना मुझे पसंद नहीं है। फर्स्ट टाइम? व्हाट आई मीन, दूल्हे की परीक्षा? हाँ, इस तरह से तो फर्स्ट टाइम ही है। एक्चुअली मुझे सिंपल मैरिज ज्यादा पसंद है, सच में। रियली? मुझे भी वही पसंद है, मगर मेरे डैड नहीं मानेंगे। धूमधाम पसंद है उन्हें। दिस इज टू मच यू नो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, बिना नाम जाने दूल्हे से मिलने चली आई? एक्चुअली मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा और ऐसे ही चली आई। रंगा। हाँ? माय नेम इज रंगनाथ। एनी प्रॉब्लम? नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके। क्या मेरे लिए आप अपना नाम बदलेंगे? व्हाई? इस दुनिया में मुझे सिर्फ एक ही नाम से नफरत है, रंगा। क्यों? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। Shameless fellow. तो एक नंबर का नीचर कमीना है। Interesting. मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। Continue. Stupid. First meeting. April 1st. Fool's Day. तुम्हारी माँ को पता चल गया है तुम घर से भाग आई हो। तुम्हें पूरे शहर में ढूंढने के लिए आदमी भिजवाए हैं। वो कौन है जिसे तुम प्यार करती हो? हाँ, उसका नाम आदिम है, वो कावेरी नगर में रहता है, हमारा कार ड्राइवर है। गुड मॉर्निंग मैम। इस आदमी के बारे में नहीं, अपने हीरो के बारे में बोल। ये वही है। हाँ? प्यार किया तो डरना क्या? तुम इस आदमी से प्यार करती है? Are you mad? हाँ यार, मेरे लिए बहुत बार हाथ के नस काट चुका है। क्या? हाँ यार, मेरे लिए टैंक फुल ब्लड से भर दिया है। गाड़ी में टैंक फुल कर दिया है मैडम। श्रेया देखो,
तू कुछ कर ना यार प्लीज। तू इससे प्यार करती है सीरियसली? जी अच्छा ठीक है चल चलो मैडम। देख अभी हम यहाँ पर है, सीधे गए तो मैसूर रोड आएगा, राइट गए तो राजा राजेश्वरी आर्च है, वहाँ एंट्री हो गई तो बेस्ट क्लब, बेस्ट क्लब के बगल में ही एक मंदिर है, वहाँ तुम दोनों शादी कर लेना। कैसा लगा मेरा प्लान? ए आदिमो, उसका डब्बा प्लान है बे। अगर तूने उसका प्लान फॉलो किया तो वो कच्चू कनक रत्न माँ तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देगी। कौन है ये? मेरा फ्रेंड है। यूज़लेस फेलो। अबे आदिमो, तू इसका प्लान सुनकर आगे बढ़ेगा तो इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरे ये हाथ सलामत नहीं रहेंगे। कौन है ये? कौन है भैया? भैया मेरी फ्रेंड है। अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड के जैसे रहो, जास्ते उड़ने का नहीं, एक दूंगा ना। अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई अच्छा आइडिया दो ना। ए, मैं यहाँ आइडिया देने के लिए आया हूँ, एक सुपर आइडिया देता हूँ। अच्छी चल आजा आजा। हाँ ये देखो बेंगलुरु और ये है मैसूर रोड, ये है राज राजेश्वरी आर्च, यहाँ से सीधा अंदर गए तो बेस्ट क्लब है, उसके बाजू में मंदिर है, उसी मंदिर में तुम दोनों की शादी होगी। यही तो मैंने भी बताया था। तूने आर्च के बारे में बताया था? हाँ पक्का बताया था। आर्च के अंदर से जाना एक का बताया था? देखो तुम चीटिंग कर रहे हो। हाँ? तेरी शादी हुई है क्या? नहीं हुई है। एक दूध क्यों मिला के? क्या मतलब? तेरी शादी हुई नहीं और तू दूसरे की शादी के लिए आइडिया देने आई है? तुम्हारी शादी हो गई है क्या? दो बार की है शादी मैंने, एक तेरे जैसी बकबक कर रही थी तो उसका गला दबा के मार दिया मैंने, दूसरी इसके जैसे खामोश थी उसे कोई मैंने कर दिया। तू ज्यादा बात कर रही तो मैं तुझसे भी शादी कर लेता हूँ। शादी हमारी है या तुम्हारी? ये ड्रेस कैसी पहन रखी है? डमी दूल्हा बे, इसका डमी दूल्हा। तुझे रनिंग करना आता है क्या? रनिंग करना नहीं तो और क्या? क्यों? शादी में जाने जैसी ये साड़ी पहनकर चली आई। हम लोग सच में शादी करने जा रहे हैं ना? शादी नहीं, ये भाग कर करने वाली शादी है। यहाँ गुंडे कभी भी आ सकते हैं, चेसिंग शुरू हो सकती है, डिश गैंग फायरिंग भी हो सकती है और तलवार भी चल सकती है, ये कौन जानता है। लेकिन हमारा प्लान तो उन्हें नहीं मालूम है ना। लेकिन कोई भी लीक कर सकता है ना, इसके जैसा जो हो। मैं अभी आया एक मिनट में। कहाँ जा रहा है? अजीब आदमी है। अरे सुन ना, कहाँ जा रहा है तू? अबे हल्का होने जा रहा हूँ, तू भी साथ आ रहा है क्या गधा? शादी का प्लान लीक होगा ये सुनकर मेरी पहले ही लीक हो चुकी है। ऐसी उस तरफ मुड़। हेलो कंचु कनक रत्नमा मैडम, तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रही थी। अपने ड्राइवर से कहो कि गाड़ी तेज चलाए, नहीं तो यहाँ इस ड्राइवर के साथ शादी नहीं सुहागरात भी अच्छे से हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह कोई जिंदा नहीं रहेगा। आप मेरे साथ टच में रहो, मैं इनके साथ रहकर इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। ओके वो लोग कहीं भी भाग ना पाए। What a timing, super! Oh आदिमो, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। अबे भाग 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 भाग। अरे आदिमो, तुझे मेरी तरह भाग कर आना चाहिए था ना, ऐसे लुढ़क कर आना जरूरी था। ये क्या हो गया? चल भाग 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 भाग। आदिमो चल आजा मेरे पीछे, भाग भाग। तू मेरा हाथ पकड़, हाथ पकड़ ठीक से, आजा। अरे ये गुंडे हमें छोड़ देंगे, तू बस मेरा हाथ पकड़ ले। चल 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 चल। प्लान मैंने बनाया था तो मुझे फॉलो करो ना, अपने लीडर को फॉलो करो ना। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? इस तरफ। हाँ मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। हाँ आजा इस तरफ। चलो। अरे कौन है यार और क्या कवर है इसकी? चलो आदिमो, इसके साथ भाग रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरी जिंदगी भागता रहा इसके साथ, बहुत ही मजा आएगा। मेरी जान जरा मेरी बात सुन ले, मुझे ओवरटेक मत कर, मेरी जाने जिगर। इस तरफ। नहीं, डब्बे लोग मेरी बात तो सुनो, इधर आओ, इस तरफ गए, जाओ भागो भागो जाओ। सोना जानू प्लीज कम, आई एम हियर, नो फियर, टेम्पल इज कमिंग, चलो 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 चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। करतुंड महाकाय धूमकोट समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। बेटा मंगलसूत्र लाए। अरे मंगलसूत्र क्या है? कमीने तुझे ताने बता कहा ये क्या हो रहा है बेटा? कहा मंगलसूत्र मांगने पर लात क्यों मिल रही है? मंगलसूत्र मंगलसूत्र। अबे डब्बा लगाइए, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ
अरे शादी उधर हो रही है, आ जाओ चलो आ जाओ। रत्ना माँ तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, चलो ना उधर तुम भी जाओ। ये ले आदिमो, अब जल्दी से मंगल सूत्र बांध, अपने हाथ से नहीं उसके गले में बांध। अरे जल्दी छोड़ दो। कैसा लगा? हे, ये क्या है? शादी के बारे में तुम ही इन्फॉर्मेशन देकर अब तुम ही शादी करवा रहे हो? अरे तू इधर की उधर कर रहा है क्या रे? ऐसा क्यों किया तूने? किक के लिए किया यार? किक के लिए? किक के लिए? तुझे शादी करने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी भगवान के फोटो के सामने हार पहनाकर शादी कर सकता था ना? देख, कल अगर तुझसे कोई पूछे कि तेरी शादी कैसे हुई तो तू कहना कि बहुत बड़ी स्टोरी है, कहानी में बहुत ट्विस्ट है। शादी से पहले चेजिंग हुई, फायरिंग हुई, टाइमिंग, जंपिंग, जरा सोच की सुनने वाले को कितनी किक लगेगी। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर पकड़े जाते तो जान चली जाती। अच्छी, अरे किक नहीं मिला तो जीना भी कोई जीना होता क्या? जा, किक के चक्कर में हमें किक लगा था। चुप रहो भैया, आपने ये सब क्यों किया ये मुझे नहीं पता, मगर मेरी माँ के बिना मेरी शादी हो रही थी इसलिए मैं दुखी थी। आपने जो किया उस वजह से मेरी इच्छा पूरी हो गई। थैंक्स भैया, मुझे भी मस्त किक मिल गई। शिव भगवान की कृपा से तुम दोनों को किक की प्राप्ति हो। अस्तु, सुहागरात सुहागरात। इस एमएलए कनक रतलम माँ को तूने रोड पर कुत्ते के जैसा भगाया है ना, पर एक बात याद रखना, तू खुद मेरे पास आकर मेरे पैरों में नहीं गिरा तो। उन अंग्रेजों ने हमें आजादी क्यों दी? क्यों दी बोलो? ताकि हम अपनी मर्जी से जी सके, अपनी मर्जी से उड़ सके, अपनी मर्जी से शादी कर सके। तुम्हारी पसंद के लड़के से ही शादी करना ये कोई कानून है क्या? तुम कर रही हो फैमिली बलात्कार, अरेंज अत्याचार, गेट आउट। क्या समझी थी मैं ऐसा बोलूंगा? ऐसा कैरेक्टर मेरा नहीं है ना। कौन है ये आदमी? अपने केक के लिए दूसरों की जान जोखिम में डाल सकता है ये? हाँ? आपको अभी जाकर पता चला? पिछले 30 सालों से मेरी उसकी दोस्ती है, बस उसे किक मिलनी चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है शैतान। हाँ? वाओ, व्हाट अ स्ट्रेंज कैरेक्टर है ना? उसके बारे में सुनते ही मुझे शॉक लग गया। तो उसके साथ जो रहेगा उसका क्या हाल होगा, जरा सोच कर देखो। जिंदगी में दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी ऐसा सोचा था, लेकिन फिर से उस आदमी से मुलाकात हो ही गई, वो भी मेरी बहन की वजह से ही। क्या कह रही है तू? तो इस आदमी से प्यार करती है? हाँ। ए, बहुत बड़ा पागल है ये, कहाँ मुलाकात हुई इससे? दूर से देखकर प्यार किया है। हाँ? अब तुझे मेरी हेल्प करनी है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ए, कहाँ मिलेगा वो अभी? श्री रंगा। ओह गुड मॉर्निंग सर। ओह वेरी गुड मॉर्निंग। ज्वाइन करने के बाद एक ही महीने में बड़े बड़े मोबाइल कंपनीज के साथ तुमने हमारी कंपनी को कॉम्पिटिटर बना दिया। वेल डन। मैं काम छोड़ रहा हूँ सर। बट वाई? तुम जैसे टैलेंटेड आदमी को ये कंपनी नहीं छोड़ना चाहती, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? केक चाहिए सर। केक? हेलो एक्सक्यूज मी, सुनिए तो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। हेलो सुनिए तो। हाँ बोलिए, क्या बात है? मेरी बहन आपसे प्यार करती है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती है? वो खूबसूरत दिखती है, फिर तुम्हारे जैसी बकवास देखती है। अबे पहले मेरी बात सुनो। ओके हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है इसलिए तुम्हें प्यार करती है। तुम्हें मेरे बारे में पता है क्या? हाँ पता है, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे पेरेंट्स हो, सब एक है। तुम अपने केक के लिए किसी की भी जान जोखिम में डाल सकते हो। बिल्कुल सही। किसी दूसरे के प्लान को अपना प्लान बताकर चीटिंग करते हो। करेक्ट करेक्ट। बचपन में एक आदमी का गला पकड़कर उसे नदी में डुबा दिया था, ये भी मुझे पता है। करेक्ट करेक्ट। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। अरे वो तो मैं अभी कर देता हूँ, तुम बोलो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन तुमसे नफरत करने लगे। हाँ? तुम्हारा नाम सुनते ही वो चढ़ जाए। इतना ही इसके लिए इतनी इमोशनल हो रही है? कम ऑन कम ऑन, आ जाओ। टर्न। क्या दिख रही हो तुम? जैसे फ्रिज में से अभी अभी आम निकाला है। तुम तो इसको बदसूरत कर रही थी। दीदी
जानू अगर तुम्हें मुझसे प्यार था तो मुझसे डायरेक्ट आके कहना चाहिए था ना। बीच में ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? अरे मेरी जान, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तो फिर तुम इस मेंटल से कैसे प्यार कर सकती हो? हाँ बोलो। ए डिस्टर्ब मत कर, चल इधर जा। ए मेरी जान, मेरा कैरेक्टर बहुत ही लूज है। हाँ चीप मेंटेलिटी इडियट चालाक हूँ। अपने किक के लिए मैं सामने वाले की जिंदगी से भी खेल सकता हूँ। जब मैं छोटा था ना तो अपने फ्रेंड अदिमो को स्विमिंग पूल में धक्का देकर मार दिया था मैंने। अभी तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली है। ए ये नहीं बताया तूने इसे? हाँ दिमाग एकदम पागल है। खैर ये सब बात छोड़ दो मेरी जान। वो क्या है कि एक लड़की के प्यार में एकदम पागल हूँ मैं। हाँ और उसके साथ शादी करने का डिसाइड कर लिया मैंने। किस बदनसीब लड़की से तुम शादी करोगे? और कौन, ये तुम्हारी बहन? क्यों झटका लगा ना? तो जैसे तलवार की धार पे चलने वाली लड़की मेरी जिंदगी में आई तो बस किक ही किक मिलेगी। हाँ हेलो, बस तुम मान जाओ तो तुम्हारी लाइफ एकदम सेटल। आई लव यू। लिसन, वन टू थ्री ब्लास्ट। मैंने अपना प्यार सेट करने के लिए कहा तो तूने अपना ही प्यार सेट कर लिया। मैं क्यों पढ़ूंगी उसके पीछे? हाँ तू जानती नहीं है वो बहुत बड़ा चीटर है, तुझे भी धोखा दे देगा। अब ये नाटक बंद करो, ये सब तुम्हारा डर्टी ड्रामा है। मैं ड्रामा कर रही हूँ, तू ड्रामा कर रही है। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें यही चाहिए था ना? अब देख मैं क्या करती हूँ। मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी। वो अपनी मीठी मीठी बातों से तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, समझी? मुझे फंसाएगा ना? अरे तो फिर तुझे क्या? How dare you? हमने सोचा था कि लड़कियों को इनके माँ बाप कुछ दिनों के लिए हमारे पास छोड़कर गए हैं मलेशिया, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि उन्होंने तो हमें परमानेंटली फंसा दिया। बचपन में मेरा खिलौना छीनती थी, अब इसे भी छीन कर ले जा, जा। अंकल! क्या हुआ बेटी? वो डब्बा चीटर मुझे आई लव यू कह रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अंकल, कुछ न कुछ तो करना होगा। आप ही बताइए अंकल उसका क्या करना है। बताइए अंकल, बताइए। आप चुप क्यों हैं? बताइए मुझे क्या करना है उसका, प्लीज। मार दो उसे। मार दो उसे? यस यस। और कितनी देर घूरता रहेगा बे तू? मुंह तो खोल। भाई अब तो अपना मुंह खोलो। ए मराठी में बात कर। मला मराठी माहित ना है। अबे बोल तो रहा था। बस इतनी ही आती है। इसकी मौत का गाना बजाओ। हर रंग बरस भीगे चुनर वाली रंग बरस। ये क्या कर रहा तू? तूने गाने के लिए बोला था ना? मैटर पे आ, मैटर पे। ठीक है क्या है बोल। तूने उस लड़की को आई लव यू क्यों बोला? बोलूंगा, मेरी मर्जी। पूछने वाला तू कौन है बे? लड़की बहुत ही अच्छा है। तेरे इलाके का लड़की है क्या? हाँ सीधे से बात कर, समझा क्या? जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मुत्तू माधप्पा। मुत्तू माधप्पा? आप मुत्तू माधप्पा हो? मुझे माफ कर दो बगरू। क्यों मार रहे हो भाई? मुझे नहीं पता यार, क्यों मार रहे हो? माफ कर दो, मुझे माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गुरु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। कैसे मर्द हो तुम? ये सब मिलकर तुम्हें मार रहे हैं और तुम इसका पैर पकड़ रहे हो? ची, शर्म नहीं आती? सॉरी डियर। सॉरी कह रहा है, तू अपने आप को मर्द कहता है। कहीं का इस कमीने को तुझे मारने के लिए 15,000 रुपए दिए थे। अबे 5,000 कहाँ गए? भाई वो आपके सेकंड सेटअप के लिए एडजस्टमेंट किया है। ची, I hate you. नहीं नहीं, तुझे मारने के लिए चाकू लाई थी, ये भी किसी काम नहीं आई। भाई वो लड़की इसे सुना रही है और ये एंजॉय क्यों कर रहा है? मुझे तो लगता है ये पागल है। मुझे भी लगता है। अब इसको मार के क्या फायदा? पैसे तो मिल गए। अपना टाइम ठीक चल रहा है, निकल यहाँ से। कहाँ रूठ गई? बेकार में टाइम वेस्ट हो गया। सुनो बे, क्यों बे? दिया हुआ कब पड़ गया क्या? हिसाब बराबर नहीं हुआ है। हिसाब करेगा? अबे मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ मारो उसे। अबे क्या है तेरी स्किल? तेरे हाथ से मैं मार खाता और इसके बाद मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता तो उस लड़की को मुझसे सिंपैथी हो जाती और वो मेरे प्यार में पड़ जाती। और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसी लगी मेरी बम्पर स्कीम? बहुत अच्छी है। आ, 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 आ,
अब रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? उस लड़की के सामने मुझे इतना मारा तो उसे वापस कौन बुलाएगा तुम्हारा बाप? मुझ पर जो पीछे से वार कर रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। अरे ये तो सबको गधे की तरह धो रहा है। वो पागल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, अभी तो ये जरूरी है कि हम यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से भाग जाएं। मारो। के कम लग रही है यार। आज तो तू मेरे हाथ से गया बेटा। प्लीज प्लीज प्लीज, ये सब देखकर तुम मेरे प्यार में बिल्कुल मत पड़ना। प्यार तुम्हें? ठीक कहो, तू कहो, कुछ भी कहो, मुझे सब चलेगा। मैं सिंसियरली तुमसे प्यार करता रहूंगा, ओके? नहीं तो फिर किक कम हो जाएगी, ओके? स्टूपिड, सुनाओ। फूल, और सुनाओ। इडियट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनाओ। सुपर, कम ऑन। कौन था वो? कौन पता है क्या? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। किसी ने बहुत जोर से चूटी काटा मुझे। क्या कह रही है? Excuse me, ladies. क्या बात है? किसी बदमाश ने अंदर चूटी काटी। चूटी काटी? हाँ, जोर से चूटी काटी। जोर से चूटी काटी, मतलब हल्के से हाथ लगाया, जोर से दबाया और प्यार से बदल दिया। ओवर एक्टिंग मत करना। अंदर सिर्फ आप ही एक आदमी थे। अगर उन लोगों को ये पता चल गया ना, तो आपके चेहरे का नक्शा ही बदल जाएगा। मुझसे तुमने कुछ पूछा? अच्छा, क्या बोलता है पता ही नहीं चलता, ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन काम की बात मुझे ठीक से समझ में आ जाती है। चल रहे बेटा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाइन। बाद में ये सब दिखाना, पहले से लेके बाहर जाओ। आप क्या लाइन मारने जाएंगे? आपके अंदर का काम अगर माँ को पता चल गया तो चप्पल से मार खाएंगे। ए, वो सब तुम बाहर जाके बाद में करना, पहले से लेके जाओ। चलो बेटा। ये हुई ना बात। सेकंड राउंड। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर बिरयानी, मैं यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। बहुत टेस्टी होती है। बिरयानी में गुड़ किसने डाल दिया? ए, यहाँ का कुक कौन है? नमस्ते मैडम, वो मैं हूँ, यहाँ नया ज्वाइन हुआ हूँ। वैरायटी रहेगी, सोचकर बनाई, कैसी लगी आपको? अरे ये मैदे के आटे से उपमा कौन बनाया भाई? मैंने बनाया सर, कैसा लगा आपको? फिर बताता हूँ। इसका मतलब आपको अच्छा लगा? हेलो 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 हेलो, प्लीज देखो, सुनो, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे चली आती हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ? ओह माय गॉड, मेरी बहन तुमसे प्यार करती है पर मैं थूकती हूँ तुम पर। तो मैं एक बात बताया कि तुम ऑलरेडी मेरे प्यार में पड़ चुकी हो, बस तुम्हें पता नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं इस दुनिया में किसी से भी प्यार कर सकती हूँ तुम्हारे अलावा। किसी से भी प्यार करोगे तुम? हाँ। ये काले पीले कैसे भी चलेंगे तुमको? यस। ऐसे बाल वाला चलेगा? ऐसे बाल वाला क्यों, मुझे तो यही पसंद है। ऐसी बॉडी वाले को प्यार करोगी तुम? जिम करवाऊंगी। इस बटले को प्यार करोगी तुम? हील्स पहना दूंगी। इस पेट का क्या करोगी? पेट लाइपो करवाएंगी सर। क्यों मैडम? हाँ, सो इंटेलिजेंट। आपका नाम क्या है? हलवा राज। हलवा, सो स्वीट हलवा। आई लव यू हलवा। आई लव यू टू। हाँ, कल मिलता हूँ आपसे। कल 100%। बाय। बाय। I love you. हाय हाय, क्या किक दी तूने? अब जरा देख मैं तुझे कैसे किक देता हूँ। ओहो बटले, तूने अभी से अपना पेट कम करना शुरू कर दिया। हाँ बटला नहीं, हलवा, हलवा राज। अब से उस लड़की को देखा तो उसका पीछा किया तो उसे परेशान किया तो मार मार के भरता बना दूंगा, काट काट के कीमा बना दूंगा। तुझ में ऐसा क्या है जो वो लड़की तुझसे प्यार करेगी? है मेरे जैसा कलर है क्या? मेरे जैसा पेट है क्या? या हील शू पहन के हाइट बढ़ाने के लिए पर्सनालिटी है क्या? ए, तू मुझे ये बता कि मेरा कौन सा पार्ट तुझसे मैच हो रहा है? बता। आप मामूली इंसान नहीं है सर, आपको पता है सर, आपके एक लुक से लड़कियां बेहोश होकर गिर जाती है। अरे वो सब टेक्निक है सर, मैं अभी से आपका नौकर बन जाता हूँ और उस लड़की के बारे में आप जो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे मैं फटाफट फटाफट बता दूंगा। आई लाइक यू। चलिए सर, उस लड़की से बात करके उसे उठा कर ले आएंगे। चलिए सर, अगर ऐसे जाएंगे तो बहुत
चीप नहीं लगेगा? हम जवान है सर, जवान है, जवान जाएंगे, बात करेंगे और उठा लाएंगे। जवान को ऐसे ही रहना चाहिए। आपको पता है सर, उस लड़की के लिए बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन में। एकदम सही बोला। कैसे चलेंगे सर? इस कार में चलेंगे क्या? इस कार में भी कोई किक मिलेगी क्या सर? जरा इमेजिन करके देखिए सर, बाइक पर ले जा रहे हैं आप लड़की को और अचानक आपने एक जोरदार ब्रेक मारा। विली विली सुपर है ये बाइक तो। तुम्हारी है क्या? हाँ, मेरी है। फिर तो ठीक है, तुम कैसे जाओगे? मेरे पास कार है ना। किसकी दोस्त? आपकी। हाय सर। हाय, कैसी लगी बाइक? एकदम कमाल है, सुपर। कम से कम 100 की स्पीड पे मेंटेन करना, 110 पे जाना, लड़की के घर के सामने ही ब्रेक मारना। हाँ ठीक है। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, बाइक में ब्रेक नहीं है, संभाल के। ब्रेक नहीं है? डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है जो मेरा कुछ बिगाड़ पाए। अबे उठ दे, कहाँ घुसा पड़ा है? तुझे बजाने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? तेरा हेलमेट कहाँ है? उसने तो दिया ही नहीं सर। किसने नहीं दिया? बाइक वाले ने। और लाइसेंस? सर गाड़ी मेरी नहीं है तो लाइसेंस कहाँ से लाऊंगा सर? आरसी बुक? उधार की गाड़ी है सर, आरसी बुक कहाँ से लाऊंगा? अरे तेरी अरे फिर से लग गया। अरे उठ उठ जल्दी उठ। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही मार दिया सर। इसे मार मार कर पुलिस स्टेशन लेकर चलो। सर, आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन लेके मत जाओ सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ। जो मैं मांगूंगा मुझे देगा? बिल्कुल दूंगा सर, आप मांग के तो देखिए, बस मुझे पुलिस स्टेशन लेके मत जाइए सर। जो मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली है। पुलिस स्टेशन में गई हुई गाड़ी, शमशान में गई हुई बॉडी, ये दोनों कभी वापस नहीं आती। तुम चिंता मत करो, मैं उसे जहन्नुम में से भी ढूंढ कर उसका कचूमर बना दूंगा। नमस्कार साहब। ये क्या सर, मैं आपके लिए वेटिंग और आप मेरे लिए पूरा गांव सर्चिंग? मेरी एक बहुत ही छोटी सी इच्छा है सर, बस किसी भी केस में फिट होकर 2 दिन पुलिस स्टेशन में रहना चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन में? हाँ सर। चलिए सर, लेकिन आज मैं आपकी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। चलिए ना सर, चलिए। अरे चलिए चलिए, क्या कर रहे हैं यार? ये पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस नहीं है, समझे? वो सब छोड़िए सर, केस क्या है जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए। तुम इस लड़की को कई दिनों से फॉलो कर रहे हो, सही है? और इसे प्यार करने के लिए मजबूर कर रहे हो, सही है? अच्छा ये बात है, इसमें केस क्या है सर? हाँ ये भी कोई केस है क्या सर? सर अगर केस बनाना तो ऐसा होना चाहिए कि जमानत ही न मिले। स्टेशन में बहुत ही खतरनाक तरीके से मर्डर हो गया, लिख लीजिए 302 तिमैया, एनकाउंटर करने के लिए राइफल रेडी करो। हवलदार मंजू, लाठी में जल्दी से मिर्ची पाउडर लगाकर तैयार करो। आ जाओ सब लोग, जल्दी से आ जाओ, मैं कपड़े उतार देता हूँ, जल्दी से आ जाओ। यार तुम रहते कहाँ सर? एड्रेस मत पूछिए मेरा सर, मेरे पिताजी जा रहे थे, वो मत पूछिए सर, प्लीज सर। लगता है ये अपने पापा से डरता है। तुम चुप रहो, तुम मेरे पिताजी के बारे में कुछ नहीं जानती हो। सर 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 प्लीज सर, जल्दी सर इसकी बात ना सुनिए सर, मेरे पिताजी को मत बुलाइए प्लीज। बुलाना ही पड़ेगा। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? तू है उसके बाप? कैसे बेटे को पैदा किया है तुमने? अभी तक तूने केस नहीं बनाया। ये छोटा केस नहीं है, छेड़छाड़ वाला है। छेड़छाड़ का हो या भीड़ भाड़ का हो, जहाँ मिलता वही एनकाउंटर करना। एनकाउंटर? अरे सच में ये तो उसी का बाप है। इज्जत उतार दी। रंगा, अरे बाहर निकल बाहर, यहाँ छुपा बैठा है कोई तो रोको उसे। मेरी तो कुछ ऐसे बाप बेटे नहीं देखे, बेटा तो मेंटल ही था, बाप तो डबल मेंटल है। क्या कर रहा है? अरे मेरे पुलिस स्टेशन का पता चल गया। तेरी समझ में बात नहीं आ रही है? मुझे मारा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो बाप मारूंगा, मार डालूंगा, फिर से बचेगा नहीं, तू नहीं छोड़ूंगा। आप कहाँ चल रहे हैं? हाथ से क्यों मारा? अलमारी से मारे ना, अभी गिराता हूँ। क्या कर दिया? मैंने बोला था ना, तुम मेरे पापा को मत बुलाओ, बहुत डेंजरस आदमी है। अपने बेटे को जान से मार देगा क्या? हे यार, जो से मैं जान से मार दूंगा, खोलना वरना पता गिर जाएगा। गिर गया? नहीं, इसे दूंगा पापा। नहीं नहीं, अरे गोली चला दूंगा, गुस्साऊंगा, गोली चला दूंगा, गोली। अरे नहीं, मैं बहन करना। अरे इन बाप बेटों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पुलिस स्टेशन में मुझे सटा साठ क्यों आया? बोलो बोलो, ज्यादा इमोशनल हो गया था, ओवर एक्टिंग करने लगा था, लेकिन चोर मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत अच्छी है,
मैंने तो घर का डिजाइन कर लिया, वही मेरे घर की बहू बनेगी। सुपर। पापा अब वो हो रही मेरी गर्लफ्रेंड। नहीं, मैं उससे बात करता हूँ। ओके बेटे, बाप बेटे को इस तरह दारू पीते देखकर तुम घबराओ मत, मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे कैंसर है, हार्ट कैंसर है बेटी, बस कल या परसों तक ही मैं रहने वाला, इसीलिए जब तक मेरी जिंदगी है बेटी, मैं खुल कर जीना चाहता हूँ। दबक दबक दबक। हाय हाय दबक। पापा और एक्टिंग मत करो, नहीं तो पकड़े जाओगे, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। तुम्हें देखकर पापा एकदम और इमोशनल हो गए थे। बहू के लिए एक ग्लास जूस, बेटे के लिए एक पैक। एक्सक्यूज मी। हां यस वेटर, एक पैक बनाओ। कम ऑन कम ऑन, बैठ कर बात करते हैं ना, चलो। मेरे पापा बहुत बड़े एक्टर हैं, पुलिस स्टेशन में देख लिया था ना। और मेरा ये डांस स्टाइल देख के मेरे प्यार में मत पड़ जाना प्लीज। हे भगवान, क्या है ये सब? हेलो मैम, ये लो, क्या ये? नो 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 नो, बाद में बाद में बाद में। ये लो बेटा। ड्रिंक्स ज्यादा होकर गिर गए तो हमें इस एड्रेस पर पहुंचा देना। Oh God, what a crazy character, what a father, what a son. अच्छा तो तुमने उन दोनों बाप बेटे को ड्रॉप किया होगा? Actually, wait, मैं गैस करता हूँ, ड्रॉप नहीं किया होगा, am I right? पापा, वन मोर पैक प्लीज। मम्मी बनाएगी पैक। पागल पागल फैमिली है ये। इन्हें यहाँ लाने के लिए थैंक्स बेटी। बेटा कीकू, तुम्हारा स्लीपिंग पैक तैयार है। आप लो, पी लो बेटा, पी लो, पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। बहुत अच्छा। इसके बिना ये दूध भी नहीं पीता है, इसकी वजह से मेरे पति भी खराब हो रहे हैं। इसे पागल समझो, लेकिन ये पागल नहीं है, कोई काम नहीं जानता हो ऐसा भी नहीं है। एक दिन मेरे पास आकर बोला मुझे काम मिल गया है, 50,000 सैलरी है बताया। भगवान का दिया जलाकर उनका शुक्रिया अदा किया, मगर अगले दिन आकर बोला मैंने काम छोड़ दिया है। मैंने वजह पूछी तो किक नहीं है कहा। इसकी शादी करवा कर इसे लाइफ में सेट करना चाहती हूँ, लेकिन इसके बारे में जानकर इसे कौन लड़की देगा? हम कहीं उनसे लड़की ना मांग ले, इस डर से हमारे रिश्तेदार भी घर नहीं आते। इसे लाइफ में सेट होता देखना चाहती हूँ, एक माँ हूँ ना, और कर भी क्या सकती हूँ। वैसे तुम्हारी शादी हो गई है? आंटी ची 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 ची, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आंटी पसंद नहीं है तो इसे तुम घर छोड़ने के लिए क्यों आ गई? हाँ, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं उसे इस तरह से फॉलो क्यों कर रही हूँ? माय गॉड, आपको किसी इंसान पर या तो गुस्सा होगा या फिर प्यार होगा, पर मुझे उससे दोनों क्यों है? उसे प्यार करने जैसी मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, क्यों है ऐसा? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं किसी का मर्डर करना चाहता हूँ, पर मर्डर क्यों, डिवोर्स दे सकते हैं ना? देख कर तो देख, सर काट के हाथ में रखेगी। तुमने कुछ नहीं कहा ना, मुझे ही ऐसा लगा, हर बार मुझे ही ऐसा क्यों कंफ्यूजन होता है। ऐसे घूर क्यों रहा है बे? चल निकल यहाँ से, आंखें निकालूंगा, चल स्कूल जा। ए जानू, चोर 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 चोर, क्या कर रही हो तुम? बोलो बोलो बोलो। मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो। बात क्या है वो बोलो। माय डियर,
लक्स ब्यूटी। हाँ, तुम्हें देखता हूँ तो चिकनी चमेली गाने की एकदम करीना जैसी ब्यूटीफुल लगती हो तुम। अरे रे रे रे, तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है, कितना मेहनत कर रही हो तुम। अब देखो ये पेट, ये बटला, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाता हूँ। मेरी बात मानो, आज तुम मायके चली जाओ। और हाँ, तुम्हारी जैसी जवान ब्यूटीफुल लड़की को कोई हैंडसम जवान से शादी कर लेनी चाहिए। और सुनो, कुल्लू मनाली जाके एंजॉय करना चाहिए। अब मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। सच में? यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जा 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 जा। यस। गया काम से। अब तो कुछ भी करके इसका मर्डर ही करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं, आइडिया। वो जहर वाला दूध पीते ही तड़प तड़प के मर जाएगी और उसके बाद किकू लड़की सुपर है, मगर तुम्हारे लिए थोड़ी ज्यादा है। ये पकड़ो, ये पैसा तुम्हारे डोनेशन के लिए। थैंक यू। तुम मुझे कुछ बोलना चाहती हो और मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। क्या बोलूं? I love you कह दो ना जाने मन। आप तुम तो रोज वही पुराने तरीके आजमा के मुझे पटाना चाहते हो। मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे। कितनी एक्सपेक्टेशंस रखी है मैंने तुमसे, पर तुम किसी काम के नहीं हो। प्लीज प्लीज, देखो उस एक्सपेक्टेशन को हटा दो और एक बार, सिर्फ एक बार आई लव यू बोल दो ना प्लीज। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। बाय। ए, अगर इतना अच्छा लगता हूँ तो आई लव यू बोल दो ना प्लीज। आई लव यू? ए, पसंद आना अलग बात है और प्यार होना अलग बात। और तुम मुझे बहुत पसंद हो। लाइफ में बहुत से लोग पसंद आते हैं, पर प्यार एक से होता है। सो स्वीट। बाय। हेलो। ये भी कोई बात है, पसंद करना और लव करना दोनों अलग अलग बात है। इसने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। ओए किकू। हाँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारा पसंद करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तेरी वजह से मैं इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रहा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। भाई अरे ये कका किकी कुकू कौन सी भाषा है, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें भाषा आए या नहीं आए, तुम्हें लिखना होगा पढ़ना होगा। भाई ये लैंग्वेज तो हम कैसे भी सीख लेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं ये बॉडी लैंग्वेज की बुक लेकर आया हूँ। हिंदी। हाँ बोलिए। उसे कैसे मारना है बोल। हम बम लगा देंगे। देंगे उसके साथ इसे भी बम लगा देंगे। ये तो वही है। पैसे बहुत लगेंगे। नो प्रॉब्लम। 10 लाख एडवांस। 10 लाख डील। ओके थैंक यू। फोटो नहीं चाहिए? ऑलरेडी मेरे पास है। ए, मैंने तुझे जो फोटो दिया था वो फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट था, तेरे पास कलर फोटो कहाँ से आया? ये उसका कलर जेरोक्स है। हाँ हाँ, कलर जेरोक्स करवाया? अरे ये बात तो तुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, कुछ भी करके खत्म कर दे। लगता है इस बार उसका काम तमाम हो जाएगा। अयो मेरी कार। कीज भी साथ में है। पहले चले के भागना है। अरे ये गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? बम लगा दिया क्या? अरे 10 लाख देकर उसने खुद अपने नीचे बम लगवा लिया। पीछा करो। स्टॉप। ए,
तू मुझे कबाड़ वाली बाइक पकड़ा कर खुद फर्स्ट क्लास एसी वाली गाड़ी में घूम रहा है। ए, चल 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 जल्दी कर नीचे उतर। चल अभी निकल ले, चल निकल। अरे निकल रहा है कि नहीं, निकल। खुद भी काला है और सफेद गाड़ी में बैठ रहा है। अब जब मैं ड्राइविंग सीट पर बैठूंगा तब इस गाड़ी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बम से उसे नहीं, इस कमीने को उड़ाना चाहिए था। अरे बाप रे। सर पुलिस वाले को बॉम्ब से उड़ाएगा तू? सर मैं नहीं सर। अब मैं तेरे नीचे बॉम्ब लगा कर तुझे सीधे चांद पर पहुंचा दूंगा। ये क्या है अंकल, अगर किसी के बच्चे लाइफ में सेटल नहीं होते तो पेरेंट्स चिंता करने लगते हैं, लेकिन आप है कि उसी को सपोर्ट करते रहते हैं। आप ही बताइए अंकल, क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस है आपको उस पर? वो मेरे जैसा नहीं है बेटी, इसीलिए। एक्चुअली मैं बचपन में इंजीनियर बनना चाहता था, हालात ठीक नहीं थे इसीलिए बैंक में काम करना पड़ा जो मुझे पसंद नहीं था। बहुत पैसा कमाया फिर बना मैनेजर, सेटल्ड, हैप्पी, सक्सेसफुल। दिन भर तो ठीक रहता हूँ लेकिन रात में दर्द सताने लगता है। मैं जो करना चाहता था वो मुझे नहीं मिला, ये बातें मुझे कचोटती हैं। हर आदमी जीवन में कुछ मिस करता है, वही मेरे साथ भी हुआ। ये सबके साथ होता है, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिंदगी में जो चाहता है उसे वो मिलना चाहिए। जो काम वो नहीं जानता है उसे वो छोड़ देता है। अभी जो करने गया था वो उसके लायक नहीं था इसीलिए उसने वो छोड़ दिया। सब लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा क्या करेगा क्या बनेगा, लेकिन एक दिन वो जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। That's the faith I have in my son. इन बाप बेटे को समझना बहुत मुश्किल है, इस जन्म में तो ये सुधरने वाले हैं नहीं। ये लीजिए। देखो बेटी, जानती हूँ मेरा बेटा नालायक है, लेकिन एक बात तो सच है, वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम हमेशा उसके साथ रहोगी, ऐसा मुझसे वादा करो। करो। बेटी तुम उसे इतना टेंशन क्यों देती हो? वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है। हाँ? पसंद और प्यार के बीच में क्या फर्क है, इसी बात को लेकर वो परेशान रहता है। उसके मन की शांति के लिए जाकर उसे दो बातें कर लो। जाओ बेटी। ए! क्यों नहीं आ सकती? हाँ हाँ आ सकती हो। जाकर उसे बात करो। पहले तो अकेले पीछे पड़े थे, अब पूरी फैमिली मेरे पीछे पड़ गई है। अच्छा? हाँ? पापा, what is this? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो 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 चलो। पापा। ये क्या कर रहे हो तुम? अगर मम्मी पापा यहाँ नहीं होते तब बताता मैं तुम्हें। मैं पूछ रही हूँ लाइफ में क्या बनना चाहते हो तुम? लाइफ में? लाइफ में? हाँ, लाइफ में। लाइफ में डॉक्टर, लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? हाँ बनना चाहता था। तुम्हारा टैलेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा, पर तुम्हारी फिजिक पुलिस ऑफिसर जैसी है। मुझे पुलिस ऑफिसर्स बहुत पसंद है, तुम उसके लिए ट्राई करो ना। हाँ करूंगा करूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। रहने दो। उसके बाद तो 3-4 दिनों तक मैं उससे नहीं मिली थी और ना ही उसने मिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे कहने पर उसने जॉब ज्वाइन कर ली। ये सुनकर मुझे शॉक लगा, उसके काम पर जाने से मैं बहुत खुश हो गई और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। प्यार में पड़ने की वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। ड्रॉपिंग, पिकअप, शॉपिंग, गिफ्ट्स, ऐसे ही पूरा दिन चला जाता था। मेरे मुंह से आई लव यू सुनने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था और मैं भी जानबूझकर नहीं कहती थी। कुछ भी कहो, एक लड़के को पीछे घुमाने में बहुत मजा आता है। वैसे मैं इतनी जल्दी तो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में वो दिन आ ही गया। वो तुम्हारे लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं है, तुम उसे प्यार करती हो इसीलिए वो तुम्हें अच्छा लगता होगा। उसने तुम्हारे साथ जस्ट 30 मिनट्स स्पेंड किए, मगर उसे जानने के बाद मुझे लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी के 30 मिनट्स वेस्ट कर दिए। उसके बारे में मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी अंकल, पर उसके करीब आने के बाद उसके बारे में पता चला कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। सिर्फ अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं है, जिंदगी में और बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं। उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे मुझे वो परफेक्ट लगे। ऐसा नहीं है अंकल, जिसने कभी अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी सिर्फ मेरे लिए अंकल, अब उसने जॉब भी ज्वाइन कर ली है
और अब वो मन लगाकर काम कर रहा है। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और उससे भी ज्यादा उस पर भरोसा है अंकल। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। यू हैव टू बिलीव मी। तुम्हें पता है ड्यूटी ज्वाइन करने के चौथे दिन ही उसने काम छोड़ दिया। यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें? उसके ऑफिस जाओ, पता चल जाएगा। Excuse me, does Mr. Sriranga work here? No, he has left the job. How long back did he quit? 3 weeks पहले छोड़कर गया। 3 weeks? हाँ। हाय डियर, कब आई तुम यहाँ पर? अरे मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम आई हो। वो क्या है ना, जहाँ मैं जॉब कर रहा था वो आदमी मुझसे उधार पैसे मांग रहा था। ये प्राइवेट जॉब ऐसे ही होता है, एकदम खून चूस लेते हैं। आज मैं बहुत बिजी था, ये ना। बस करो। और कितने दिनों तक झूठ बोलोगे? हाँ तुम्हें पता चल गया? भगवान कसम, थोड़ी देर में बोलता ये करो, थोड़ी देर में बोलता वो करो। नर्क थी वो जगह, नर्क में काम कर रहा था मैं वहां पर। व्हाट अ रिलीफ सच्ची में। नर्क में? और नहीं तो क्या, काम पे जाने वाला आदमी सुबह 6 बजे उठे तो समझ में आता है, लेकिन जिसको काम पे नहीं जाना अगर उसको 6 बजे उठना पड़े तो नर्क ही है ना। अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो मेरे कहने पर ये जॉब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हेलो, ये तुम्हारी पसंद के कारण नहीं किया, ये मेरी पसंद की जॉब लिस्ट में था, इसलिए क्या। सिंपल। ठीक है, और ये जॉब क्यों छोड़ी? केक नहीं मिली। कब मिलेगी तुम्हें ये केक? पता नहीं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तुम कोई काम करने के लायक ही नहीं हो। अंकल ठीक कहते हैं, तुम जैसा इंसान जिंदगी में कभी नहीं बदल सकता। मैं ही ये बात समझ नहीं पाई और तुम पर भरोसा कर बैठी। ओहो, प्रॉब्लम तुम्हारे अंकल की है। चलो उनसे बात करते हैं, आ जाओ। ची, मेरा बॉयफ्रेंड क्या करता है? डॉक्टर है, लॉयर, इंजीनियर, वेटर, एटलीस्ट क्लीनर। इन सवालों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? अगर कोई यही सवाल मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, बताओ? कुछ मत बोलना, साइलेंट रहना। लाइफ में लोग अपनी पसंद का काम करते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मशीन की तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे हर काम में चैलेंज रहना चाहिए, किक रहनी चाहिए। कोई मुझे लाख रुपए पगार दे और कहे कि मैं कंप्यूटर पर बैठकर टुक 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 करूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कितनी खुशी के साथ जीते हैं। इसके अलावा राइट और रॉन्ग क्या है मुझे नहीं पता, लाइफ में किक है या नहीं यही मेन चीज है। अरे मैं इतनी इमोशनल बात क्यों कर रहा हूं, ये तो मेरा कैरेक्टर ही नहीं है। कैरेक्टर में आ जाता हूँ। देखो अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मेंटल हो जाओगी। आओ चलो घर चलते हैं। डोंट टच मी, मुझे छूना मत। तुम धोखेबाज इंसान हो, तुम्हारी बातों में आकर मैं प्यार कर बैठी। मेरी ही गलती है जो तुम्हें समझ नहीं पाई। नैना पागल की तरह बात मत करो, क्यों खुद को दोषी ठहरा रही हो तुम? मैंने प्यार किया है खुशी से जीने के लिए, इस तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं। प्यार कहती हो, प्यार बेकार का प्यार। बेकार का प्यार? छूना मत मुझे। बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहती थी मैं, और तुम भी वही बात सुनना चाहते थे मुझसे, पर ऐसे समय पर बोलना पड़ेगा ये कभी नहीं सोचा था। This is the worst moment of my life. बोलो बोलो करके मेरे पीछे पड़ गए थे, तो आज मैं कह रही हूँ I love you, but I hate you. लोग एक होने के लिए ये बात कहते हैं, पर आज मैं अलग होने के लिए कह रही हूँ। I love you, पर मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। I never want to see your face again. नैना, please. और उसके बाद मलेशिया आए मुझे 1 साल हो गया, मैं उसके बाद उससे कभी नहीं मिली। वो अभी भी खुद को ही सही समझता है, पर गलत है ना? हाँ, या मुझे भी इस तरह के कैरेक्टर वाले लोग पसंद नहीं है। यू आर राइट। क्या तुम अभी भी उस लड़के से प्यार करती हो? नो नो नो, तुम्हें बताना चाहती थी इसीलिए बताया, दैट्स इट। यहाँ आने से पहले मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी मेरी सोच बदल रही है। तुम्हारा इस तरह से बातें करना मुझे बहुत पसंद आया। यू आर जस्ट लाइक मी। तुमसे शादी करने के लिए मेरी तरफ से हाँ है। और मेरी तरफ से भी हाँ। आर यू श्योर? यस, वेरी श्योर।
ऐसे अलग कैरेक्टर के लोग सिर्फ तुम्हारे शहर में ही नहीं रहते। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आया था क्या? आपको आपकी कहानी में किसी से प्यार हुआ है, मगर मेरी कहानी में मैं उस कैरेक्टर से नफरत करता हूँ। इंडिया में मोस्ट सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर हूँ मैं। मैंने बहुत सारे केस सॉल्व करके बहुत सारे क्रिमिनल्स को रास्ते से हटा दिया। डिपार्टमेंट में कोई भी नया ज्वाइन करता है तो उन्हें मेरे काम की और मेरी सिंसियरिटी की मिसालें दी जाती हैं। चोरों से लेकर माफिया तक, गुंडों से लेकर टेररिस्ट तक, सबका खेल खत्म कर दिया था। मगर अभी भी एक चोर ने मुझे डिस्टर्ब कर, एक नहीं दो नहीं पूरी 14 चोरियां की, 150 करोड़ रुपए लूटे हैं। उसका केस गवर्नमेंट ने मेरे हाथ में सौंपा। वो ये क्यों कर रहा है पता नहीं, कहां रहता है पता नहीं, वो कैसा दिखता है वो भी किसी को पता नहीं। फिर वो चोर है कौन? आज तक वो किसी को दिखा नहीं और वो पूरे स्टेट में लूट कर तबाही मचा रहा है। इस राज्य का गृह मंत्री हूँ मैं, इसलिए मैं तुम्हें फुल पावर देता हूँ। उसे गिरफ्तार कर इस फाइल को क्लोज करो। और पहली चोरी हुई जुलाई 5 को हुई। 10 दिनों में आप लोगों के हिसाब से 70 करोड़, लेकिन मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा। उसके बारे में मैं आप सबको कुछ बताना चाहूंगा। डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, MLAs, मिनिस्टर्स, किसी को भी नहीं छोड़ा। द इक्वेशन इज वेरी क्लियर सर। कोई डॉक्टर फेमस है ऐसा पेपर में आर्टिकल आया तो नेक्स्ट डे उसके घर में चोरी होती है। लॉयर के बारे में टीवी में प्रोग्राम आया, उसी दिन उसके घर में भी चोरी हुई। मंत्री लोगों ने जब कभी भी उसके बारे में बयान दिया तो उनके घर में भी चोरी हुई है। मेरा अंदाजा अगर सही है तो उसका नेक्स्ट टारगेट यही कहीं है। कौन है वो? वो आप हो। हाँ? मैं? ये कैसे कह सकते हो तुम? आज सुबह ही आपने टीवी पर उसके बारे में इंटरव्यू दिया। टीवी में इंटरव्यू दिया तो तुम्हारा अंदाजा सही होगा? ये कैसे हो सकता है, प्रूफ करो। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। पार्टनर, मैं जानता था तू मुझे फोन करेगा। पार्टनर, अबे कौन है तेरा पार्टनर? तू ही है मेरा पार्टनर। अरे तूने चोरी में मेरी मदद की तो पार्टनर हुआ ना, तेरा हिस्सा भेजूं क्या पार्टनर? तू मुझे अपना पार्टनर बना के बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो क्या है कि जब तूने मेरे हाथ में गोली उतारी थी उसी वक्त तू मेरा पार्टनर बन गया था। ए, अगर मैं तेरा पार्टनर नहीं होता ना तो बंदूक की गोली सीधे तेरे सीने में उतार दी होती। मैंने उस गोली को जानबूझकर तेरे हाथों पर नहीं चलाई होती। क्या बात है पार्टनर, एक्चुअली तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। ए, 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 चोरी करना तेरा प्रोफेशन नहीं है, तू तो ये मजे के लिए कर रहा है, क्योंकि किसी को चैलेंज देना तुझे पसंद है ना। कुछ नया बोलना पार्टनर, नया बोल। तेरी बॉडी मेरा मार सह नहीं पाएगी। किसी पिटी बात मत कर, कुछ नहीं बोलना नहीं। ए, 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 तेरी बातों में मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। तुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा ये सोचना भी मेरे पार्टनर, ये तो मेरा स्टाइल है, तो कुछ नहीं बात बोलना। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तू यहीं कहीं आसपास है, तू मुझे देखकर ही बात कर रहा है। यस यस, परफेक्ट अंदाजा लगाया तूने, सुपर।
ये पहली बार तूने नई बात की। तू मेरा एकदम करेक्ट पार्टनर है, मगर एक बात हमेशा याद रखना पार्टनर, तू मेरे कितने भी पास रहे लेकिन मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। ए, तू मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तुझे अरेस्ट किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। कैसे करेगा पार्टनर, मैं किस तरह रहता हूँ तुझे पता है? नहीं पता है। मैं कहाँ रहता हूँ पता है? नहीं पता। कल मैं किसके घर पे चोरी करूंगा पता है? नहीं पता। और मैं कैसा दिखता हूँ ये पता है? नहीं पता। Interesting guy. Not anymore. Why? तुम तुम्हारी स्टोरी वाले कैरेक्टर से मिलना नहीं चाहती हो, लेकिन मैं मेरी स्टोरी के कैरेक्टर को मिलने के लिए बेकरार हूँ। मलेशिया आने का मेरा एक ही मकसद है, उसे अरेस्ट करना। क्या? हाँ, मुझे पता है उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, मगर मेरे पास एक क्लू है। लूजर, यही है उसका दिया हुआ क्लू। ये क्लू डिकोड करने के लिए मुझे 2 दिन लगे। लूजर को उल्टा करके पढ़ोगे तो R3507 होता है। ये सिर्फ एक कोडवर्ड नहीं है, जिस फ्लाइट से वो मलेशिया आया उस फ्लाइट का नंबर है। अब वो मलेशिया में ही है। इस बार मेरे हाथों से उसका बचना नामुमकिन है, उसकी परछाई को भी मैं पहचानूंगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, यह एड्रेस आपको पता है? नहीं। आपको पता है? मुझे भी नहीं पता है। 1, 2, 3 Now will the game start? दीदी दीदी Congratulations! Next week तुम्हारी engagement fix हो गई है। अरे वो छोड़, देखकर भी अनजान जैसे चला गया। कौन? और कौन? वो किकू रंगा। किकू रंगा यहाँ आया है? ये सुनकर तू इतनी excited क्यों हो रही है? हाँ? वो फिर से मेरी life बर्बाद करने आया है। वो वही तो है ना? I mean कोई और तो नहीं? छे कोई और नहीं हो सकता, नहीं। But what if it's him? Mr. Sriranga, we got complete information from Indian government. I will give you full support from my department to catch the criminal. Thank you, Mr. Kumar. You are welcome. Anything else? मुझे कुछ journalist की ज़रूरत है। Mr. Rangnath, what's your inspiration behind becoming a police officer? Justice delayed is justice denied, and I believe in instant justice. That's my inspiration. Reason for visiting Malaysia? मेरे partner के लिए मैं यहाँ आया हूँ। Did you find him? Definitely वो मुझे मिलेगा। मैं उसे ढूँढ निकालूँगा। Any failure so far? I don't know the meaning of failure so far, but I am not a loser. I am not a loser. Hi, partner. Ranga, Sri Ranga. Paper mein interview ekdam mast diya tune. Kya dekh raha tha tu? Huh? What a photogenic face. Achha. Maine socha tha ki tu yahan shaadi karne ke liye aaya hai, lekin tu to mera diya hua code loser break karke mujhe yahan pakadne aaya hai na? Hats off, super. अर्जेंटली तुझसे मिलकर मैं तुझसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, मिलाएगा क्या? बोल। तुझसे हाथ मिलाऊंगा तब तेरे हाथ में हाथ कड़ी होगी, ये बात याद रख। अगर तूने हाथ मिलाया तो मैं भी हाथ मिलाऊंगा पार्टनर। इंडिया में नहीं पकड़ पाया तो मुझे यहाँ मलेशिया में क्या पकड़ेगा तू? कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखी है तूने मुझसे। तुम्हारे दिए हुए क्लू से मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, अब तो तुम्हें अरेस्ट करके ही रहूंगा। नहीं कर पाएगा दोस्त, दिसंबर की ठीक 16 तारीख को तेरा लास्ट चांस है, तब मुझे पकड़ सके तो पकड़ ले, नहीं तो उसके बाद अपने पांव सर पे रखेगा फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। थैंक यू पार्टनर। पेपर में मैंने जो न्यूज दी थी उसे पढ़कर तू मुझे कॉल करेगा ये मैं जानता था, अब तू फंस गया है। आई एम नॉट अ लूजर, यू आर द लूजर। सुपर किक दिया पार्टनर। Don't shoot! Wait, wait! Come on, follow him!
दीदी तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? I told you, I told you. देख, हाँ? Come, 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 come. ये इंडिया से आया हुआ एक स्पेशल केस है। सर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से ब्लड क्लॉट हुआ है। द पेशेंट हैज कम्प्लीटली लॉस्ट हिज मेमोरी पावर। उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तुम सबको उसकी बहुत केयरफुली देखभाल करनी है। डॉक्टर ली कमिंग। साइलेंस, 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 स्टॉप। व्हाट इज दिस सिली मीटिंग? व्हाट इज दिस? वेयर इज माय पेशेंट? वेयर इज माय पेशेंट? आई एम आस्किंग वेयर इज माय पेशेंट? अरे मैं तब से पूछ रहा हूँ, अगर तुम लोग जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारी चमड़ी उतार कर मैं उस पर टैटू बनवा दूंगा। दो दिनों से तुम लोग मीटिंग कर रहे हो और मेरे पेशेंट को किसी ने नहीं देखा। मुझे टेंशन हो रही है, अगर मैं अपने पेशेंट से नहीं मिला तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और जब गुस्सा आ जाएगा तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। उसके बाद दैट्स माय प्रॉब्लम, दैट्स माय वीकनेस, आई लॉस्ट माय पेशेंट। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? फाइन। Okay, take care. Wait, in my back, my patient. I'll catch my patient. एक डॉक्टर हो के इस तरह से बात कर रहा है? He's not a doctor. मतलब? अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, ये वही memory loss patient है। वो अभी इसी हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर है। So, you all be careful with him. Okay? Dr. Goli. I'm not a Dr. Goli. I'm Jolly Doctor. Dr. Goli. Jolly. Dr. Goli. I am Jolly Doctor. Dr. Goli. दो दिन से तुम मुझे दिखाई नहीं दिए थे, मैं कितना परेशान था। फिर मैं किसका ट्रीटमेंट करता? वो क्या है कि तुम जब सामने रहते हो तो मेमोरी लॉस। यू गॉट द पॉइंट। अब तक तुम कहाँ थे? डॉक्टर, इस हॉस्पिटल का पता भूल गया था मैं। पूरा मलेशिया घूम लिया इसके चक्कर में, ढूंढते ढांढते गिरते पड़ते यहाँ पर। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? यहीं पर होगा। यू श्योर? हे, दैट्स हिम। लुक एट दैट। डॉक्टर, यस, व्हाट हैपेंड? एम्नीशिया पेशेंट, सीरियस कंडीशन, ऑब्जर्वेशन में रखा है। आर यू श्योर? Yesterday, yeah. You sleeping with enemy? Yes, doctor. हाँ, वाह 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 वाह, यो। आप क्या सोच रहे हो? Yes, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी। क्या होता है? मुझे doubt होता है। अब क्या होगा? कितनी बार बोलो? मत, तुम doctor हो और मैं patient हूँ। कितनी बार बोलो? मैं patient हूँ और तू doctor है भाई। ये याद रखना, तू doctor है। अगली बार तुझे डाउट हुआ तो तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। अबे कितनी बार बताऊं कि तू डॉक्टर है और मैं पेशेंट हूँ? मैं पेशेंट हूँ, तुम डॉक्टर हो? नहीं, मैं डॉक्टर, तुम पेशेंट। अरे भाई, तो मैं कब से बता रहा हूँ तुझे, भेजा नहीं मुझे, मार नहीं सकते। यू बीट टू डॉक्टर। यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट। टेक माय स्कल। यस, वन मिनट। यस, दिस इज माय स्कल एंड दिस इज माय लीवर एंड किडनी, टोटली वाटर सर्विस इन द स्टेशन। इस कमीने को डॉक्टर बनाते बनाते मैं सच में पेशेंट बन जाऊंगा। आखिर इस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। Yeah. One minute. I am Dr. Goli. What do you want, beautiful lady? Doctor, what happened to that patient? You talking about that patient? See, छोटा दिमाग एकदम उड़ गया है। बड़ा दिमाग वह खराब हो गया है। Totally the brain is dry clean. आपका मतलब अब उसे पुराना कभी कुछ भी याद नहीं आएगा? क्यों नहीं याद आएगा? अभी उसने मुझे मारा तो मुझे सब याद आ गया। ऐसे ही उसे डे और नाइट मारते रहोगे तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू माई रूम, समझ गए ना सिस्टर? ओपन ओपन ओपन। वेरी नाइस, कम विथ मी। दीदी, लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, बिल्कुल डिफरेंट। क्या हुआ, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। केक केक करके उड़ता रहता था ना, इसीलिए उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। हाँ, अब मुझे रिलैक्स लग रहा है। वो मुझे डिस्टर्ब करेगा इस बात की बहुत टेंशन थी, बट अब जाकर मुझे रिलीफ मिला। वो नहीं चाहिए तो उसका दिया हुआ गिफ्ट क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। ओह,
जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट ब्यूटी हो तुम। तुम क्यों मेरी बात मानोगी? प्लान सी फ्लॉप हुआ तो प्लान बी रेडी है। व्हाट इज प्लान बी पेशेंट? ओ बैंड बजा। इसका मतलब ये मेमोरी लॉस सब भूल जाना कोई बीमारी नहीं है। सब कुछ भूल कर खुशी से रहना ये है राजयोग। अरे 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 क्या कर रहे हो? ये जंगली बिल्ली है क्या? पूरी तरह से काट खाया बाप रे। बच गया। दीदी क्या हुआ था? ऐसे क्यों मार रही थी उसे? मार रही थी उसे तो जान से मार डालती मैं आज। क्या कह रहा था वो? सब भूल गया तो उसकी लाइफ अच्छी हो गई। प्यार करने से पहले भी वो खुश था और प्यार करने के बाद भी वो खुश है। मार दिया ना, छोड़ दो उसे। उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। उसके सामने ही श्रीरंगा से शादी करूंगी मैं और यही सोच सोच कर वो धीरे धीरे मरता रहेगा। दीदी अगर घर में पता चल गया तो? मैं तो नहीं बताऊंगी और तू भी नहीं बताएगी। अब उसे उसकी लाइफ की असली किक मैं दूंगी। गेम स्टार्ट्स नाउ। बच्चे लोग शादी के लिए मान गए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जिंदगी में इतना कुछ कमाया है लेकिन आज जितनी खुशी मिली है उतनी कभी नहीं मिली थी। इसके लिए तो ये पार्टी है। ओके। अच्छा आपका दामाद तो यहीं सेटल हो गया है ना? कहाँ है वो? I'm here. अल्वाराज। हेलो। अल्वाराज। मत करना, पछताओगे। बाहर के देश में भी आके तूने मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा? काट के रख दूंगा, अपना मुंह बंद रख। I'm राज, प्रकाश राज। बहुत बढ़िया है। अरे तुम पापा। आओ आओ बेटी, तुम्हारे पति कहाँ हैं? दिख नहीं रहे यहाँ पर। पापा उन्हें छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? आप जरा उधर देखिए। ओ, तो आप ही हैं, मैं पहचान नहीं पाया। नमस्ते। क्यों जीजाजी, लेट कैसे हो गए? वो पिछले एक साल से आप यहीं पर हैं। मैंने एक मर्डर अटेम्प्ट किया था। इंडिया के एक पुलिस इंस्पेक्टर के कार के नीचे एक बॉम्ब रख दिया था जो फट गया। एक लड़का और लड़की के कारण ये सब हुआ था। अगर पकड़ा जाता तो पुलिस वाला मेरा बैंड बजा देता, इसीलिए यहाँ सेटल हो गया। क्या हुआ, आप लोग इतने खामोश क्यों है? अरे जोक बोल रहा था भाई, जोक। जोक समझ के हंसने वाले लोग, ये सब हकीकत में हुआ था। अरे रे रे रे, मुझे तो अपनी बहन को देखना था। वेयर इज माय सिस्टर? वेयर इज माय सिस्टर? वो देखिए, वो आ रही है। क्या, वेयर इज माय सिस्टर? हाय। ये है वो। हाय पापा। हाय बेटी। हाय, हेलो। अरे रे रे, इंडिया में मैंने इसी लड़के के साथ प्यार किया था। अगर मेरे ससुर को पता चल गया तो मुझे एरोप्लेन में चढ़ा के धक्का दे देगा। उसके बाद वो इंस्पेक्टर। ये क्या, वहाँ उन दोनों ने प्यार किया, यहाँ ये दोनों शादी करने वाले हैं? हाँ, वो इतना सीधा नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो वो यहाँ जरूर आएगा, जरूर। Excuse me. कौन है? ये एड्रेस बता सकते हैं प्लीज? यही है सर। आपका नाम? I'm राज, प्रकाश राज। कब आता हूँ मुझे खुद ही पता नहीं चलता। थैंक यू। ये तो मुझे पहचान ही नहीं पाया। अब इसे क्या काम है? आई एम गजनी, कब क्या करता हूँ मुझे ही पता नहीं होता। हाय रंगा, मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाय एवरीवन, पापा ये मेरा फ्रेंड है, इंडिया से आया है, श्री रंगा। श्री रंगा, दैट्स माय वुड बी रंगनाथ। हेलो। हाथ कड़ी पहनाऊंगा मगर हाथ नहीं मिलाऊंगा। अगर तू हाथ मिलाएगा तो मैं भी मिलाऊंगा पार्टनर। बेचारा, इसकी याददाश्त चली गई है। ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है, आज से हमारे साथ ही रहेगा। ओके पापा। ओके। I'm sorry. Sorry क्यों सर? वो जो डब्बा वाली पास्ट टेंस है ना, उसको भूल कर प्रेजेंट टेंस में एकदम खुश हूँ। मैं डब्बा पास्ट हूँ? रुक तेरा अभी कुछ करती। इधर आ। ए, क्या है, तुम पागल हो गई हो क्या? उसे लाकर अपने घर में रखोगी? क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा प्लान ये है। मैं बताता हूँ। अबे हवले, कौन है बे तू? राज, हलवा राज। इंडिया में मेरे साथ प्यार का नाटक करके यहाँ मेरे पुलिस जीजा को चॉकलेट खिला रही है। हाँ? I will reveal everything. I will reveal everything. Yes. पुराना सब कुछ भूल के लगता है ब्लैंक हो गया है, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया।
अबे किको, अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। द गेम स्टार्ट नाउ। किको, तू पुराना सब कुछ भूल गया ना? मेमोरी चिप सब इरेज हो गई है। अब मैं तुझे देता हूँ किक। ये एक सांप है और ये एक एनाकोंडा। हेलो, क्या है प्रकाश? हाँ, नई जगह है ना, नींद नहीं आ रही है। सच्ची कहूँ तो मुझे भी अकेले में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आजा बगल में आजा, थोड़ी गर्माहट रहेगी। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नो प्रॉब्लम। थैंक यू थैंक यू। जरा पास आओ प्रकाश। प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश भाग क्यों गए तुम? नीचे कुछ भी नहीं पहना है क्या? ओ, यहाँ पे मैं ऐसे ही सोता हूँ। अगर मैं कपड़े पहनूं तो फिर मुझे नींद नहीं आती। आ ना प्रकाश, मलेशिया में ठंड बहुत रहती है, तू पास आ जाएगा तो थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। अरे रे 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 देवी, कनका देवी, दुर्गा देवी, अब आप ही लोग मुझे बचाओ। हे माता। अरे सॉरी 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 सॉरी, कल रात को तुमने उसे स्वर्ग दिखाया क्या? टेल मी प्लीज। मुझे स्वर्ग दिखाना तो छोड़ो, अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाता तो मुझे सब कुछ दिखा देता। रात भर वो मुझे वो सही आदमी नहीं है, वो सही आदमी नहीं है। क्या हुआ हलवा? अरे अब क्या बताऊँ, वो खुद तो कपड़ा पहनता नहीं है, दूसरों को भी कपड़ा नहीं पहनने देता। क्या? वो बहुत बड़ा कमीना है। आपसे ज्यादा है क्या? ए, हमेशा मुझे परेशान करता है। जान ले लूंगा तेरी, निकल यहाँ से। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अब मैं अपने स्टाइल से हैंडल करूंगी इसे। वो देखो। हाय। हाय। आई एम गजनी। ओह। एंड यू? आई एम नैना। आपको कैसे भूल सकता हूँ? उसे पहचाना? मुझे नहीं पहचाना तूने? बोला। फ्रेंड्स फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स। तो मेरे साथ चलो ना। कहाँ चलें? नहीं बताती हूँ, चलो ना। इसे तो रात में ही मैंने वो समझा था, ये तो दिन में भी वो है। सच कहूँ तो हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं, हम लवर्स हैं। लवर्स हैं? हाँ। हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा। वो कैसे? ओह माय गॉड। कुछ याद आया? कुछ याद आया? कुछ याद आया? अरे भगवान, थोड़ा थोड़ा बताओगे तो कैसे याद आएगा? एक साथ पूरा बता दो ना। और तब ऐसा हुआ कि? तब क्या हुआ? सब भूल गया था मैं, यही समझी थी ना तुम, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। कहाँ तक याद आया? इसने जहाँ तक बताया वहाँ तक मुझे याद है। अरे कंटिन्यू कंटिन्यू। बोलो दीदी। हाँ, मेरे दिमाग में सब कुछ आ गया। उसने मेरी बाइक चलाई, वो देखने में पटला है, पेट निकला हुआ है, घुंघराले बाल है उसके। कौन है वो? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? कौन है वो? हलवा, कहाँ जा रहे हो? तुमसे बचने के लिए। लेकिन तू हलवा के जैसा नहीं है। हलवा? वो हलवा तेरे जैसा दिखता है। कहाँ है बे वो बाइक? तुमने उस जैसे पागल से क्यों प्यार किया? पता नहीं, पर मैं उससे बहुत नाराज हूँ। आई हेट हिम, ही इज इरिटेटिंग। पर वो जो कुछ भी कहता था उसमें कुछ नया नया सा लगता था, और उसकी किक मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती थी। एक बात बताओ, क्या सच में तुमने उससे इतना प्यार किया था? ये सुनने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ, इतना प्यार किया था उससे, और हम अलग कैसे हुए पता है तुम्हें? अभी से अलग होने की बात क्यों की तुमने? हाँ? मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो तुम्हारी लव वाली बात ही करो ना। नो नो नो, हम अलग कैसे हुए तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। अरे वो छोड़ो ना। यू हैव टू लिसन टू मी, ओके? वन मिनट। तुमने जो कहानी मुझे सुनाई वो कितनी सच और कितनी झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना, सुपर है, वाकई एकदम सुपर है। हाँ? I love you. क्या? Love you? ये कैसा ट्विस्ट देकर चला गया?
आपने बिल्कुल सही कहा था सर। वैसे ब्रेसलेट बेंगलुरु ज्वेलरी शॉप से दो लोगों ने परचेज किए हैं सर। वो परचेज करने वाले दो लोग कौन हैं? मुझे उनकी पूरी डिटेल्स भेजो। एक डीजीपी साहब ने परचेज की है और दूसरा एक लड़की ने खरीदा है सर। लड़की ने खरीदा? हाँ सर। सर उस लड़की के डिटेल्स तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन डिलीवरी जहाँ पर की गई है उसका एड्रेस है हमारे पास। ओके ओके, उस एड्रेस पर जाकर उस लड़की के बारे में जल्दी से पता करो। आपके बेटे को दूर जाकर इतने दिन हो गए हैं, अभी तक एक फोन भी नहीं किया। वहाँ जो कर रहा है यहाँ भी कर सकता है ना? मलेशिया जाने की क्या जरूरत थी? वो जब भी काम से रिजाइन करके आता है तुम उसे सुना देती हो। अब जब वो सिंसियरली काम कर रहा है तो उसे करने दो ना। स्वाति जी है क्या? स्वाति? हाँ। माफ कीजिए, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। ये लड़की कौन है? ये लड़की, इन्होंने एड्रेस यहीं का दिया है। देखिए, हम लोग इस घर में 7 साल से हैं। इस लड़की को इस घर में ही क्या, इस एरिया में भी कभी नहीं देखा है मैंने। उस लड़की को नहीं जानती हो, ऐसा क्यों बोला तुमने? तो क्या, वो मेरे बेटे को छोड़कर चली गई। मेरे बेटे के साथ हमेशा रहूंगी ऐसा प्रॉमिस किया था उसने। ऐसी लड़की के बारे में मैं क्यों बताऊं? नाम भी ठीक से नहीं पता है, किस लिए ढूंढ रहे हैं क्या पता। एक मिनट, लिसन टू मी, प्लीज पहले मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझे वो बकवास सा फ्लैशबैक नहीं चाहिए। मैं इस समय प्रेजेंट में बहुत खुश हूँ, एकदम खुश हूँ। आई लव यू। क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं बजाती हूँ। ये लड़का मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के नाटक कर रहा है वो। हाँ, यहाँ से खड़े क्या हो, जाकर पूछो ना। मुझे उसके ऊपर डाउट है। अच्छा हलवा, ये क्या हो गया तुम्हें? मैं यही हूँ क्या? यही तो हो ना। अरे दे दे, मैं यहाँ हूँ तो यहाँ नहीं हूँ, दूसरी जगह हूँ तो यहाँ हूँ, ऐसा लग रहा है। अरे जल्दी कुछ करो हलवा, प्लीज। अगर तू मरता है तो ये कपड़ा उठा के मुझे मार दे। अबे कमीने, तुझमें मेरा चेहरा देखने की ताकत है क्या? मेरे लाल, तुझसे कौन डरता है हलवा? तो तेरी याददाश्त नहीं गई? नहीं, मुझे सब याद है। बता देता हूँ सब कुछ उस लड़की को, बता देता हूँ। हाँ, जा, जा, बता। तूने बीवी को जान से मारने का प्लान बनाया, पुलिस इंस्पेक्टर की कार में बम लगाया, नकली पासपोर्ट पे मलेशिया आया है तू। ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है। जा 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 जा, बता देना जा। ए, ये सब क्या है बे? अभी जो चल रहा है वो गेम अच्छा है ना? जिशुम, आई एम सचिन तेंदुलकर, नो आई एम गोली। हु इज द कॉल सेंटर? वो पेशेंट नहीं है, उसका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। साइलेंट। क्यों सर? दिस इज हॉस्पिटल। क्यों मारा? नॉनसेंस रास्कल, उसे मेमोरी लॉस है ना, मैं डॉक्टर हूँ गोली। मेरा यकीन करो सर, कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ है सर। उसका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ। उसका मेमोरी लॉस हुआ है। उसका कोई मेमोरी लॉस नहीं। मेमोरी लॉस? कितनी बार बोलूं, कितनी बार बोलूं? मेरा यकीन करो सर, उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है सर। क्या तुम्हें पता है यहाँ 2 साल पहले क्या हुआ था? उसने 2 मिनट के बाद बताया, उससे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बताया कि यहाँ क्या क्या हुआ था। सब कुछ बताया लेकिन 2 मिनट के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। तुम्हें तो पता ही है कि मैं डॉक्टर हूँ। उसने 3 मिनट के बाद ये बात मुझे बताई। तुम डॉक्टर नहीं हो? ये तुम्हें पता चल गया है, लेकिन ये बात उसे मत बताना, नहीं तो वो मेरा बैंड बजा देगा। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। Where is my patient? Where is my patient? Where is my patient? ये लो, यहाँ खड़ा है। हलवा, कहाँ चले गए थे तुम? क्या उसके बारे में कुछ पता चला तुम्हें? सब कुछ मुझे पता चल गया। क्या? हाँ? उसे पुरानी सारी बातें याद आ गई हैं? उसकी याददाश्त के बारे में छोड़ो, क्या मुझे तो अपना पूरा फ्यूचर याद आने लगा है। उसे पंगा मत लो, हाँ? वो मुंह में कपड़ा डाल के मारेगा मारेगा। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम? मेरे साथ ही गेम खेल रहे हो? हाँ? गेम हम लोग नहीं खेल रहे हैं, गेम उसने स्टार्ट किया है, हम लोग तो सिर्फ दर्शक है। दर्शक? लगता है दिमाग खराब हो गया है इसका। चलिए यहाँ से। सब लोग मुझे ही डांट रहे हैं। ए भगवान। ए हलवा, तू यहाँ क्या कर रहा है? ए, तू सामान्य आदमी नहीं है,
उस मेंटल आदमी को तूने मेंटल डॉक्टर बना दिया। सही सही बता, और कितना गेम बाकी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी तो सर भी बाहर नहीं आया है, अभी तो पूरी बॉडी बाहर आनी बाकी है। बॉडी बाहर आने पर तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज बताऊंगा। तेरा जीजा जिस चोर को ढूंढ रहा है ना, वो मैं हूं रे। माना कि वो मलेशिया आया है, लेकिन इंडिया में रेगुलरली चोरी करता था, अचानक से साइलेंट कैसे हो गया? चोरी छोड़ दी क्या? और ये दिसंबर 16 क्या है? दिसंबर की उस तारीख के लिए अभी बहुत दिन बाकी है। अगर उसने चोरी करना छोड़ दिया है तो फिर ये टारगेट क्यों बताया? एक्चुअली उसकी चोरी का मकसद क्या है ये पता करना होगा। इस बार वो मलेशिया में आखिर किसे लूटने आया होगा? अगर वो लूटेगा तो किसी एनआरआई को ही लूटेगा, वो इंडिया से जुड़े लोगों को ही लूटेगा। यही वो टेलीफोन बूथ है जहां से उसने फोन किया था, यानी वो यहीं कहीं रहता है, यहीं कहीं आसपास, जरूर वो यहीं कहीं रहता है। Come on, I'll shoot you. Hey, stop right there. Stop right there. Don't come forward. Otherwise, I'll shoot you. तुझे हमेशा ड्यूटी की ही पड़ी रहती है क्या? यहाँ आने के बाद भी उस चोर के बारे में ही सोच रहा है? मुझे ये बता, तू यहाँ लड़की देखने आया है या फिर उस चोर को पकड़ने? अगर तुझे कुछ हो गया होता तो। छे छे, ये क्या बात हुई अंकल? इतना सिंसियर ऑफिसर आपको कहाँ मिलेगा और आप ऊपर से उसको डांट रहे हैं? अरे इन पर तो हमें गर्व होना चाहिए सर। रियल यू आर वेरी ग्रेट। आपके अंदर जो फायर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, अगर आपने उस चोर को पकड़ा और उसे टॉर्चर किया तो एक ही दिन में फट जाएगा सर। उसके सही पार्टनर आप ही हैं सर। हाँ, आपको वो जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। वो नहीं मिलेगा। अबे गधे के बच्चे, वो जरूर मिलेगा। जीजा, वो नहीं मिलेगा। हे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब शगुन की बात कर रहा है इनके सामने तू? गधा कहीं का। क्यों बीच में अपनी टांग घुसा रहा है? मैं अपने जीजा जी से बात कर रहा हूँ ना। जीजा जी, वो पास में भी रहेगा तो नहीं मिलेगा। देख बेटा, अब और इंतजार नहीं करेंगे। कल के दिन अच्छा मुहूर्त है। मैं सोच रहा हूँ एंगेजमेंट कल ही कर देते हैं। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, एक महीने पहले ही फिक्स हो गई थी। एंगेजमेंट अगले हफ्ते करेंगे। इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है? ये क्या सर, मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं? बेटी की शादी से बढ़कर मीटिंग इम्पोर्टेंट है क्या? आप उसे कैंसिल करवा दीजिए। hey, चुप रहो। एक तो तुम्हें आधा याद रहता है और आधा नहीं, और बकवास करने में आगे हो। ठीक है ससुर जी, अगले हफ्ते एंगेजमेंट फिक्स कर दीजिए। थैंक यू अरुण बेटा।
बैक, मीटिंग फिक्स की, मिनिस्टर्स मीटिंग इन मलेशिया। ये मीटिंग कब फिक्स हुई है पता करो। अबे हलवा, तू यहाँ बैठ कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, तुम कभी कभी कैसा बिहेव करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत टेंशन होती जा रही है। तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है ये तो बताओ। किक के लिए मैं क्या करूंगा पता है? पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। सरेंडर? ए, टेंशन मत ले जरा भी तू। मैं सरेंडर करते ही पुलिस को तेरा नाम भी बता दूंगा। अच्छा होगा, जेल में किक मिलेगी। अब मैं क्या करूँ? भाग जाओ यहाँ से। तू फिर? हाँ हाँ, मैंने ही कहा आपकी कहानी खत्म होने से पहले यहाँ से भाग जाइए। देखो हम दोनों अलग क्यों हुए, आज ये तुम्हें सुनना ही होगा। मैं नहीं सुनूंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो बार बार परेशान मत करो। हाँ, दो दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है, जाकर उसकी तैयारी करो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं किसी और से एंगेजमेंट कर लूँ ये कहना चाहते हो? तुमने कितने झूठ बोले हैं पता है तुम्हें? मतलब चीटिंग की? झूठ बोला इतनी सी छोटी बात के लिए? ये तुम्हें छोटी बात लगती है? हकीकत में क्या हुआ था ये सब याद रहता तो? ए, क्या क्या याद रहेगा मुझे? हा? तुम्हारे कारण मैं जॉब करने के लिए गया और वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया। ये किसी इडियट ने तुम्हें बता दिया और तुम हर्ट हो गई। इतना ही ना? इतना ही नहीं, मेरे प्यार को तुमने बेकार कहा था, याद है? तुम बकबक कर रही थी इसलिए तुम्हारे प्यार को बेकार कहा था। अब क्या क्या बताऊं तुम्हें मैं? तुम मुझे आई लव यू कहो इसके लिए कितना आगे पीछे घुमा तुम्हारे में, और जब अलग होने लगे तब तुमने आई लव यू कहा। मेरा दिल तो एक मिनट के लिए रुक गया था पता है तुम्हें। ऐसे क्या कर रही हो? कुछ याद करवाना चाहती थी ना, याद करवा मुझे। तुम कुछ बोलना चाहती हो ना तो बोलो 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 बोलो। तुमने तो कहा था तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं है। हाँ, अभी तो वही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ। तो फिर ये सब कैसे याद है तुम्हें? पकड़ा गया मैं तो। हाँ, मतलब ये मेमोरी लॉस, ट्रीटमेंट के लिए मलेशिया आना, ये सब 100% झूठ है। तुमने मुझे फिर से झूठ कहा ना? यही एक सच है, यही 100% श्योर है। मगर तुम्हारी मेमोरी एकदम सुपर है, तुम कुछ भी नहीं बोली, सब याद है। तुम्हें देखकर तो अब मुझे प्यार के नाम से भी नफरत होने लगी है। I hate you. तुम ये एक्टिंग कर रही हो ना? What? मुझे दिल में रखकर किसी और से शादी कर रही हो, ये एक्टिंग नहीं है क्या? मैं तुम्हें भूलने की एक्टिंग कर रहा हूँ और तुम मुझे अपने दिल में रखकर भूलने जैसी एक्टिंग कर रही हो ना? क्या फर्क है इसमें? तुम्हारे साथ जितना वक्त बिताया मैंने वही बहुत है मेरे लिए। तुम अलग होने के बारे में सोच रही हो ना, जो याद रखना चाहिए उसे भूल रही हो। तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। पापा, आपसे मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। आई विल कॉल यू बैक। पापा पापा पापा, लिसन 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 लिसन। हेलो सर, मिनिस्टर का मलेशिया का प्रोग्राम पिछले महीने ही कंफर्म हुआ है सर। ओके। वो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल टूर पर गए हैं सर। समथिंग इज रॉन्ग। उसने मुझे क्लू दिया था, मलेशिया फ्लाइट नंबर, मिनिस्टर्स की मीटिंग फिक्स हुई है, वो भी मलेशिया में। अगर ऐसा है तो उसे मिनिस्टर्स की मीटिंग के बारे में पहले से पता होगा। इन लोगों के प्रोग्राम का और उसके प्लान का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। मलेशिया में मिनिस्टर्स का क्या काम है? कहीं वो कोई अनऑफिशियल काम तो नहीं कर रहे? मिस्टर बनर्जी। सर, आपको पता नहीं है कि देश की कितनी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके और ना जाने कितने कॉन्ट्रैक्टर्स से कमीशन लेकर के, सरकारी जमीनों का डीनोटिफिकेशन करके, गरीब लोगों के हक छीन कर ये 300 करोड़ रुपए कितनी मुश्किल से कमाए। अब इन रुपयों को मुझे डॉलर में बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता है। डोंट वरी सर, इस वक्त मलेशिया में जो स्टार होटल बनाया जा रहा है उसका जो शेयर है उसमें एडजस्ट हो जाएगा सर। लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है और इसीलिए वो यहाँ आया है। इतने दिनों से अगर वो यहाँ आया है तो उसने कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होगा। वो कोई ना कोई गेम जरूर खेलेगा। मिनिस्टर्स और ससुर जी की भी कोई लिंक जरूर है, यानी वो उनके आसपास ही रहेगा। वैसे अभी उनके साथ नया कौन शामिल हुआ? वो नहीं हो सकता, कहीं कोई कड़ी मिस हो रही है। हाय पार्टनर,
उसके करेक्ट पार्टनर आप ही हैं सर। हाँ, रंगा श्री रंगा। ये मेरा फ्रेंड है, इंडिया से आया है, श्री रंगा। अगर तू हाथ मिलाएगा तो मैं भी मिलाऊंगा पार्टनर। चोर है तू। मेरे लिए पैसा सब कुछ है। मेरा बेटा चोर है, चिक के लिए चोर बना। मैं विट्ठल, मेरी बीवी सपना, मेरी एक बेटी भी है।
मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, महीने की 10,000 सैलरी। सुबह 8 बजे टिफिन लेकर बच्ची को स्कूल छोड़कर भाग भाग कर मैं बस पकड़ता हूँ और ऑफिस पहुँचता हूँ। शाम को घर लौटने के बाद अपनी बच्ची के साथ कुछ देर खेलता हूँ, कभी कभी टाइम मिला तो फैमिली के साथ फिल्म देखने चला जाता हूँ। फिर मेरे पास जो पैसे बचते हैं उसी में हम अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। यही है हमारी जिंदगी और मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। हमारी बेटी ही हमारे लिए सब कुछ थी, बहुत खुशहाल जिंदगी थी हमारी, बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं थी, जो भगवान ने दिया था उसी में खुश थे हम। मगर माँ, जब बच्ची की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने हमें बताया तो हमें कुछ समझ नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्च होगा और ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू नहीं किया तो बीमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगी और हम हमारी बच्ची को खो देंगे। आज मेरी बच्ची अपनी बीमारी के साथ लड़ रही है और हम लोग पैसों के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक जो कुछ भी बचा कर रखा था इनिशियल ट्रीटमेंट में ही खर्च हो चुका है। हालात अब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पैसे पूरी तरह से खर्च हो चुके हैं। जब हमारी बच्ची को इस बारे में पता चला तो अपने ट्रीटमेंट के लिए वो पैसे जुटाने लगी, लेकिन उतने पैसे काफी नहीं थे और डॉक्टर ने कहा कि अगर 24 घंटों के अंदर इलाज नहीं हुआ तो हम उसे खो देंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, उसे अपनी आंखों के सामने हम मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर हमने फैसला किया कि हम सुसाइड कर लेंगे। हमें गलत मत समझिएगा, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ये लो तुम्हारे डोनेशन के पैसे। किकू अंकल, मैं मरने वाली हूँ आपको भी पता चल गया क्या? इसलिए आप मुझे यहाँ देखने के लिए आ गए? मेरे पापा पैसे लाने के लिए गए हैं, वो जरूर आएंगे। उनके आने के बाद मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। जो भी इजी मिलता है उसमें कीक नहीं होती है, ऐसा आप ही कहते हैं ना अंकल? हाँ? वो भी सही है, मौत इतनी आसानी से आएगी तो किक नहीं रहेगी। मुझे डर लग रहा है अंकल। तुम चिंता मत करना, वो भगवान तुम्हें बचा लेगा। टोनी मेरे साथ खेलना चाहता है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है अंकल। अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी अंकल। ये बहुत ही सीरियस केस है। 24 घंटे में अगर बच्ची का ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। मैं ऑलरेडी इसके पेरेंट्स को बता चुका हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। सुबह तक अगर 20 लाख रुपए नहीं डिपॉजिट किए गए तो बच्ची का ऑपरेशन इम्पॉसिबल है। ठीक है डॉक्टर, मैं लेकर आता हूँ। आपको हेल्थ मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया गया, होम मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है सर। देखिए अब मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से जरा अर्जेंट में जेल के प्रोग्राम में विजिट करना है। नमस्ते सर। ओ, तुम बोलो क्या हुआ? सर मुझे 20 लाख रुपए भी चाहिए, छोटी बच्ची है सर,
उसके माँ बाप ने मेरे सामने सुसाइड कर लिया है। उस बच्चे का दूसरा कोई नहीं है सर। सर आप मंत्री, अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो बच्ची नहीं बचेगी। देखो तुमने जो प्रॉब्लम बताई मेरी समझ में आ चुका है, अब मेरी बात सुनो। देखो सरकार इस तरह से हरेक के लिए अपना खजाना नहीं लुटा सकती। सर इसके लिए कोई तो फंड रहता होगा ना? हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो हमारे बेनिफिट के लिए है। देखो मैं तुम्हें काफी दिनों से जानता हूँ इसलिए तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, एक एप्लीकेशन दे दो जिसे मैं तुरंत फॉरवर्ड करके दो दिनों में क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम जितना मांग रहे हो ये 10 लाख 20 लाख नहीं होगा, 50,000 या फिर 1 लाख दिलवा सकता हूँ। मतलब आप नहीं देना चाहते सर? क्या कहा? मेहनत करके कमाने वालों को 1 रुपया किलो चावल देकर आप आलसी बना रहे हैं सर। नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं, गरीबों को आप घर दे रहे हैं सर। किसानों को फ्री में बिजली भी दे रहे हैं, कर्जा भी देंगे और इलेक्शन टाइम पे उसे माफ भी कर देंगे ना सर। आप सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं सर, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहे। उनने कोई पाप किया है क्या? ओ बच्चे लोग वोट नहीं डाल सकते इसलिए ना। आप समझ में आया? पापा इस घर को बेचने पे कितना पैसा मिलेगा? बैंक वालों को मिलेगा। ओ मतलब इस पर लोन है। ओके आपके अकाउंट में कितना पैसा है पापा? 10 लाख रुपए। इमीडिएटली एक चेक बनाइए। है लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ, पहले आप बनाइए तो। हाँ। बनाइए ना। हाँ ठीक है। खुद आकर मेरे पैर नहीं पकड़े ना तो 10 लाख रुपए? क्यों रे, तू आकर खुद मेरे पैरों में गिर जाएगा, मैंने चैलेंज किया था ना, तो फिर बता ऐसे कैसे मैं पैसे दे दूंगी? अरे अरे ये क्या कर रहा है तू? बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। चलो एक बार हंस दो जरा। थैंक यू अंकल, आज टोनी का सपना पूरा हो जाएगा अंकल। अब मैं भी टोनी के साथ जमकर खेल सकती हूँ ना? डॉक्टर अंकल ने मुझसे कहा कि अब मैं भी खेल सकती हूँ। ये सुनकर टोनी कितना खुश होगा पता है? अंकल क्या आपका भी कोई सपना है? नहीं। अपना सपना पूरा करने में कोई किक नहीं है, मगर किसी दूसरे का सपना पूरा किया तो सही किक है। Thank you.
बच्चों के अंदर भगवान का वास होता है, इन सबको देख के यकीन हो जाता है। सर, इन लोगों में से हर कोई बच्चा किसी न किसी बीमारी से लड़ रहा है सर, मगर ये लोग अपना दर्द भूल के हम लोगों में से किसी एक की जान बचने की खुशी और संतोष से इन लोगों के चेहरे खिल गए हैं सर। इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई मेडिसिन दिया तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा सर, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मेडिसिन मिल जाए तो वो बच सकते हैं सर, मगर हमारे पास पैसे नहीं है सर। वहां देखिए उसे, वो कुछ ही दिनों का मेहमान है सर, और उसे पता भी है, फिर भी उसके साथ रहने वाली एक बच्ची बच गई है। इस खुशी में वो खुशियां मना रहा है सर। हमारे एक आश्रम में जब इतने सारे बच्चे हैं तो सोचिए इस शहर में, इस राज्य में, इस देश में कितने लाख बच्चे ऐसे होंगे, एक बार सोच के देखिए सर। ऐसे सभी बच्चों की लिस्ट मुझे चाहिए। हाँ? हे, ये तुझे मजाक लग रहा है क्या? एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी लेकर तू सबके सामने हीरो बनना चाहता है क्या? ए, ये मैं जनता के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ए अदीमो, वो जो अंदर बच्ची सोई है ना, उसके चेहरे पे खुशी देख के मुझे कितनी खुशी मिलती पता है? उस एक बच्ची के चेहरे पे खुशी देख के मुझे कितनी किक मिली। इन हजारों बच्चों के चेहरे पे जब मैं खुशी देखूंगा तो कितनी किक मिलेगी उस किक के लिए, और इन सारे बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उस बच्चे की मुस्कुराहट के साथ शुरू हुई उसकी किक। एक बात जानती हो बेटी, दूसरों का दर्द देखकर लोगों को खुशी होती है, लेकिन मेरा बेटा दूसरों को खुशी बांटकर खुश होता है। अब तक मैं मेरा बेटा क्या बनेगा, क्या करेगा, यही सोचता रहता था, लेकिन उसने चोर बनकर मुझे सरप्राइज कर दिया। उसके अंदर की इंसानियत बाहर आ गई। अब उसे देखकर मुझे गर्व होता है बेटी, गर्व। और अगर वो पकड़ा गया तो? वो अपनी जिंदगी में जो चाहता है बस वो पूरा हो जाए, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं। अभी वो कहाँ है अंकल? हार गया। I'm a loser. Hi, hello, my dear partner. Boss. मुझे ढूंढते यहाँ तक आ गया बॉस। क्या है ये? क्या किया बॉस? करोड़ों रुपया पानी में बहा दिया तूने। मैं हार गया। कोई बात नहीं, हार जाने के इस दुख को तुम अच्छी तरह कवर कर रहे हो। एक रियल ट्रुथ बताऊं बॉस, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं हार गया ना, इसकी भी जबरदस्त किक लगी है। हाँ, कुछ अलग ही किक है बॉस। हार गया तो दुख में नहीं रहने का, सेलिब्रेशन करने का। मनुष्य जिस दिन इस सच्चाई को समझेगा उसे कोई नहीं हरा पाएगा। सिर्फ एंजॉयमेंट, किक पे किक, ड्रिंक पे ड्रिंक बॉस। तुम्हें भी ये करना ही पड़ेगा बॉस, ओके? एंजॉय। बहुत बढ़िया है तुम्हारी ये फिलॉसफी। बिल्कुल सही कहा बॉस, मेरी फिलॉसफी तो। घबराओ मत, वो लोग नहीं जानते तुम कौन हो। मैं यहां तुम्हें पकड़ने नहीं आया। अब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस दोनों एक ही थे। अब तक तुम कौन हो ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है, हम दोनों की मंजिल एक ही है। तुम्हें अरेस्ट करना और इस केस को क्लोज करना मेरे लिए बहुत इजी है, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों पता है? यू आर माई पार्टनर। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें प्रूफ के साथ रेड हैंडेड पकड़ना चाहता हूं। तुम बैठे रहो या खड़े रहो, सोए रहो या जागे रहो, तुम्हारी हर मूवमेंट के बारे में मुझे पता रहेगा। तो चोरी करना तो छोड़, अगर चोरी के बारे में तूने सोच भी लिया ना, तो तेरे शरीर के एक एक अंग के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुड लक पार्टनर। 500 crores इलेक्शन फंड, पार्टी ऑफिस, दोपहर ठीक 12 बजे, कल ही। रेड हैंडेड पकड़ना चाहते हो ना, पकड़ लेना।
अब लगी ना तुझे किक? श्रीरंगा या रंगनाथन, देख लेंगे। मिनिस्टर्स हो या नहीं, ठीक से चेक किए बिना किसी को अंदर आने मत देना। यहाँ आने वाले हर शख्स को अच्छी तरह चेक करो, सिक्योरिटी रूल्स फॉलो करो, मैप लेकर आओ। मुझे अभी और इसी वक्त मैप देखना है। ऑफिसर इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों है? पार्टी ऑफिस में टेररिस्ट अटैक की धमकी आई है। परमिशन तो मैंने ही दी थी ना। देखो ज्यादा मांगोगे तो नहीं मिलेगा, जितना देने की बात हुई है सिर्फ उतना ही मिलेगा। चलो बैठ जाओ, सारे पैसे गिन लिए ना? मुझे इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पैसे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना तो मेरा सीएम बनना तय समझो। ऐसा ही होगा। Something is wrong. कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। झिलझिल झिका झिका, झिलझिल झिका झिका, झिलझिल झिका झिका। एक बार जान लो, इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो भी काम करोगे वो सब पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, होगा होगा ना। पिछली बार जो हुआ वो अद्भुत कम था। तुम्हारी बात मानकर सारे पैसे को मैं विदेश में रखाया था, पर हुआ क्या, हमारे ही देश का लड़का पहुँच गया और सारा माल समेट कर हमारे ही मुँह का निवाला छीन कर चंपत हो गया। हाय पार्टनर, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी हर मूवमेंट पर मेरी नजर होगी। गुड बॉय। 12 बजने में अभी आधा घंटा और है। अगर तू जबान का पक्का है तो चोरी जरूर करेगा। तुझे चोरी करते हुए मुझे अपनी आंखों से देखना है। कम 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 कम। एक पुलिस ऑफिसर को अपने पास बिठाकर चोरी करने में सुपर किक मिलेगी। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ जल्दी ही बता दूंगा। वैसे बॉस, मेरी बगल में तुम बैठे हो तो हम फ्रेंड्स बन गए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तुम पुलिस हो और मैं चोर हूँ। ए, वहाँ पर पूरे 300 पुलिस तैनात किए हैं, समझा? तू एक कदम भी आगे नहीं रख पाएगा। अगर तू वहाँ पहुँच भी गया ना तो वहाँ तैनात सारे पुलिस वाले तुझे गोलियां मारकर तेरा सीना छल्ली कर देंगे। ये सब बोलकर आप मुझे टेंशन दे रहे हैं और टेंशन से मुझे सुस आ रही, मैं करके आता हूँ। प्लीज बॉस, चलता हूँ बॉस। ए क्या बॉस, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अगर नहीं तो आप भी मेरे साथ चलो। प्लीज बॉस, एक मिनट में आता हूँ। बहुत जोर की लगी है। ओके बॉस। हेलो पार्टनर। बॉस कैसा लगा मेरा गेटअप? हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। मेरा ओरिजिनल गेटअप आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, इसलिए गेटअप रखा बॉस। कम ऑन बॉस। बॉस आप पर मुझे डाउट आ रहा है, उस लड़की के मामले में आप मुझसे रिवेंज ले रहे हैं ना? hey, मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है, वो लड़की नहीं। मुझे इसी डायलॉग सुनने का तो इंतजार था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जाओ आ जाओ। इस पैसे को देखकर उस चोर की याद आ रही है। अरे अपनी बकवास बंद कर, उस चोर का नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। स्वामी जी पैसे गिन भी लिए और पैक भी हो गए, अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना? एक बार 12 बज जाने दीजिए, उसके बाद अमृत घड़ी आएगी, तब तक आप इसे संभाल कर रखिए। उसके बाद आप संभालना चाहेंगे भी तो नहीं संभाल पाएंगे। मेरा मतलब है कि ये अपने जगह पे पहुंच जाएगी ना। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, क्यों डर लग रहा है? बॉस माचिस है क्या बॉस? एक बात बता,
अभी सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट में पैसे कैसे लूटेगा तू? 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स, मेरे लिए इतने सेकेंड्स काफी है बॉस। तू यहीं बैठा है, तेरे सामने मैं हूँ, इतनी सारी सिक्योरिटी है, कैसे लूटेगा? अंदर तेरी कोई सेटिंग है क्या? सोलो परफॉर्मेंस बॉस। 12 बजे तक तेरे पास टाइम है, अगर तूने चोरी नहीं की तो मैं तुझे मार दूंगा। चल बॉस चल। बड़ा है चिल बोलने वाला। अभी सिर्फ 80 सेकेंड बचे। सभी लोगों को भेज दो। हेलो हेलो बैटमैन। बैटमैन कौन है बे तू? हेलो बैटमैन, मिनिस्टर तुम्हारे लिए है एक ब्रेकिंग न्यूज। बराबर 80 सेकंड्स के अंदर अंदर तुम्हारे सामने होगा एक अद्भुत चमत्कार। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सारे पैसे चुरा ले जाएगा। क्योंकि यह है एक पक्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ए, कौन है बे तू? ट्रांसपोर्टर 4। ये क्या कर रहे हो? अरे अरे जजमान, अरे 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 क्या हो गया जजमान? ये कहाँ गया? ये सब क्या हो गया? जल्दी 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 ला ला ये पास जल्दी, तू तू जा जल्दी जल्दी। रुक जाओ। बच्चों को बचाने वाले भगवान की, गरीब बच्चों को बचाने वाले की, गरीब बच्चों को बचाने वाले की, गरीब बच्चों को बचाने वाले की। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या चल रहा है? किसी भगवान जैसे इंसान ने अपना नाम भी बताए बिना बीमारी से लड़ने वाले बच्चों के लिए 1,000,000,000,000 रुपया दान किया है, इसलिए इन बच्चों ने उस इंसान के नाम से ये रैली निकाली है। ये बच्चे उसी रैली के हिस्से हैं। टाइट सिक्योरिटी है, पैसे कोई देख भी नहीं सकता, और पलक झपकाते ही वो चोर हिंदी फिल्मों की तरह आंखों में धूल झोंक कर पैसे लेकर गायब हो गया। सर वो है, बकवास बंद करो अपनी। अपने आप को पुलिस ऑफिसर कहते हो, तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें बर्बाद कर दिया। किसी भिखारी की तरह हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है तुमने। सर मैं सारी डिटेल्स लेकर आया हूं। सब कुछ चले जाने के बाद डिटेल्स लेकर आए हैं, चलो निकलो यहाँ से। तुमसे भी बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर को हम इस केस को सौंपने जा रहे हैं। ए, बुलाओ उस नए ऑफिसर को। हाय पार्टनर, हाउ आर यू? दिसंबर 16 के बाद मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा कहा था ना? आज मेरा जॉइनिंग डे है बॉस। जो काम मुझे बच्चों के लिए करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। बहुत ही मस्त केक मिली। वो तो ठीक है, मगर ये
ये मेरी लवर के लिए है। दरअसल वो मुझे पुलिस ऑफिसर के रूप में देखना चाहती थी। अब लवर के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना। लवर की इच्छा पूरी करने में भी मस्त केक मिलती है बॉस। ए, तुम उसके साथ क्या डिस्कशन कर रहे हो? ईमानदारी से फाइल उसे हैंडओवर कर दो। और उसे तुमने समझा क्या है? ट्रेनिंग में गोल्ड मेडल मिला है उसे, और तब से ही हम उसे जानते हैं। चोर के बारे में काफी कुछ जानता है ये। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फाइल उसे दे दो। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। आपकी सारी जायदाद आप इसके नाम कर दीजिए, बहुत अच्छे से संभालेगा। इसी भरोसे पर तो मैंने इसे यहाँ बुलाया है। ऑल द बेस्ट। ओके, तुम चले जाओ पार्टनर, इन सबको मैं संभालूंगा। आप सब इसके बारे में क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जब ये ऑफिसर उस चोर को पकड़ कर मेरे सामने लाएगा, तभी मेरे दिल को ठंडक पहुँचेगी और तुम ये काम जरूर करोगे। सर, आप 101% उस चोर को देखना चाहते हो ना? सर, आपने मुझे देख लिया तो समझिए कि उसे भी देख लिया। हाँ, तो अभी से आप सबको सुपर किक।